इस संसार में ऊपर वाला किसी न किसी रूप में आते हैं। वो सब कुछ देखते हैं। उनके बनाए हुए इंसान हो या पशु पक्षी, सब पर उनका ही नियंत्रण है और उसी पर आधारित है हमारी ये फिल्म।
गुड मॉर्निंग सर। देखो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे उससे मिलने जाना ही पड़ेगा। जल्दी है क्या? जल्दी या देर का सवाल नहीं है, तुम चल रही हो क्या? पढ़ाई करने आते हो या ये करने? सर वो एक फंक्शन है इसलिए। तुम्हारी नजरें बता रही हैं तुम क्या कर रहे थे। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है और ये वीडियो मैं तुम दोनों के घर वालों को भेजूंगा। उसके बाद क्या होगा पता नहीं। जब तक मैं इस कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हूँ कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं चलेगा। ध्यान रखना, आई एम प्रेम राज, प्रेम की खिलाफत करने वाला राज। सॉरी सर। मृदुला। गुड मॉर्निंग सर। आहा गुड मॉर्निंग। आज आप लेट हो गए सर। आज थोड़ा लेट हो गया। मृदुला मैं ऑफिस क्लीन करने से पहले पहुंच नहीं पाया। ठीक है आज सर। तुम रहने दो। कल मैं जल्दी आ जाऊंगा तो आकर साफ कर देना। समझ गई ना मेरी बात? मुझे पसंद करती हो ना? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने कल तुम्हें एक कॉमेडी वाला वीडियो भेजा था, तुमने ओपन करके देखा था ना? हाँ, उसमें बहुत ही बेहुदा फालतू बातें और हरकतें भरी थी, इसलिए आपका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। तो जीवन का पार्ट है मैडम, उसके बगैर तो इंसान की जिंदगी नीरस हो जाती है। मेरा आदमी शकी है, अगर उसे पता चलेगा तो आपकी जान ले लेगा। जरा संभल कर रहिए। बहुत घमंडी है इसीलिए किसी ने इसे शादी नहीं की, बन के रहती है। लक्षण तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो ना हो आज कोई सुनामी आने वाली है। फादर, फादर, पता है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में फिर से लफड़ा हो गया, बाहर कुछ लोगों ने मारने के लिए आए हैं। दरवाजा बंद करो। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी गेट बंद करो। अंदर जाओ, अंदर जाओ, जल्दी। गेट खोल दे, चुपचाप गेट खोल वरना गेट तोड़ देंगे हम लोग। हमारे लड़कों के साथ शैतानी का खेल नहीं खेलने का, वरना तुम में से एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। प्लीज मेहरबानी करके आप लोग यहाँ से जाइए, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हमें पुलिस की धमकी मत दो, समझे? कानून क्या है हम भी जानते हैं। देखो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम लोगों को लगता है किसी ने भड़काया है। यहाँ बच्चे सुकून से पढ़ने आते हैं, लड़ने के लिए नहीं। Thank you.
हमारे जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना इसलिए की थी कि यहाँ गरीब और अच्छे स्टूडेंट्स को दाखिला मिले और वो पढ़ लिख कर अच्छा काम कर सकें। लेकिन तुम लोगों ने इस कॉलेज का नाम मिट्टी में मिला दिया है, समझे? फादर, बीएससी एक्वाकल्चर फिशरी इंडस्ट्रियल एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि इसे बंद कर देना चाहिए। हम लोग मछली पकड़ने वाले कुली लड़कों के साथ खेलना छोड़ के यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, इसलिए इन्होंने हमें एक नाम दिया है, बिकाऊ लड़के, मार्केट बॉल्स। ए स्वामी, हाँ बोल, इधर आ, ये देख। फादर, चारों तरफ दीवार पर सिर्फ वही लिख कर रखा है, हम लोग मार्केट में सर नहीं उठा पा रहे, आप ही बताइए यहाँ पर इनका ही राज है क्या? झूठे इल्जाम मत लगा तू। सर, ये लोग पहले हमारे साथ में ही थे सिटी पैलेस में। सिटी में एडमिशन नहीं मिला, इसलिए हम लोग कुत्ते के जैसे मरमर यहाँ तक पहुँचे हैं। ये तो शर्म की बात है, अगर तुम लोग आपस में बच्चों जैसे लड़ोगे तो कैसा चलेगा? कोई अगर तुम्हें बिकाऊ कहता है तो इसमें इतना बुरा क्यों मानते हो? माना कि बिकाऊ शब्द बुरा है, लेकिन बिकाऊ तो जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि हम जिंदगी में कुछ न कुछ बेचते हैं। अगर हम कोई गलत चीज बेचते हैं तो गलत हो सकते हैं। प्रेम राज जैसा पवित्र नाम होते हुए भी मुझे स्टूडेंट्स राज कहकर बुलाते हैं, तो भी क्या मैं बुरा मानता हूँ? क्योंकि आप घर वाली को बाहर वाली के हिसाब से रखते हैं। साइलेंस, तुम बात को दूसरी दिशा में मत ले जाओ। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग इनको परेशान करते हो, जो बिल्कुल गलत है। तुम लोग संपन्न परिवार से हो, इसका मतलब इन्हें परेशान करोगे? सर, आप इनके फेवर में ही, हमको पहले से पता है। अरे, मैं तो इंसाफ के फेवर में हूँ। आपको पता भी है सर, ये लोग मिलकर क्या क्या कारनामे करते हैं? ए भाई सुन, कल यूनुस और शैलेश उधर पेड़ के नीचे लैब के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, तब वो कमीना समीर अपने मोबाइल पे मेरे बहन के बारे में यूजलेस बातें कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, अब मेरी बहन वहाँ रोते बैठी। चलो, चलो। सर, ये इतना बदतमीज है तो आप ही बताइए कि हम क्या करें? सर, मैंने किसी का वीडियो नहीं बनाया, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सर, तू इतना शरीफ नहीं है कि दूध का धुला हुआ है, तेरी हैसियत क्या है यहाँ पे सभी लोग जानते हैं। अगर चाहे तो इन सब से पूछ ले, अगर किया है तो बोल, ना किया है बात खत्म हो जाएगी। क्यों बे? फादर, शैल एक अच्छी और शरीफ लड़की है, वो क्लास में किसी को देखती भी नहीं है। मेरा डाउट वो नहीं है, तुझे अपना डाउट क्लियर करने के लिए तुम लोगों को इनके पास जाकर गलत बात करने की क्या जरूरत थी? इनका डाउट लाजमी है कि तुम लोग सच नहीं बोल रहे हो, मुझे भी डाउट है। आप तो छुपी रहिए सर, हमेशा गलत की साइड लेते रहते हो। चुप, वरना खाल उधेड़ लूंगा। अगर बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है तो बात मत करो, बैठ जाओ। इस कॉलेज के प्रिंसिपल में दम नहीं है, इन लोगों को सिर पर चढ़ा रखा है, जिसकी वजह से इस कैंपस में क्या होता है मुझे सब पता है। कभी प्यार के झगड़े, कभी पैसों के झगड़े, ऐसी और भी कई बातें हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता। असली गुनहगार को बेनकाब करने के लिए अब हमें कोई ना कोई रास्ता अपनाना होगा। पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरा लगवाना पड़ेगा, उसके बाद इनकी एक एक चाल पर मेरी नजर होगी। वासु, तुमने बहुत अच्छा सजेशन दिया। थैंक यू सर। इसके बाद अगर किसी की भी कंप्लेन आई तो मैं उसे टीसी देकर बाहर कर दूंगा, वरना मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा। मुझे इस कॉलेज की इज्जत बहुत प्यारी है सर। बहुत बढ़िया खुशबू है, कौन सा परफ्यूम है ये? परफ्यूम बहुत दिनों पहले मेरी आंटी ने लाकर दी थी। मैंने भी मेरी आंटी से मंगवाया है, कार्गो से आएगा तभी तो मिलेगा। हाँ, तभी आएगा। अरे वो देखो, एंटी आ गया। अरे कैसा जैसी? ए आंटी, लगता है तू हमारा दिल तोड़ने वाला है, बोला हुआ सामान नहीं दिया तो इसकी बातें सुननी पड़ेगी। ए देख, कैमरा कैमरा, ए बुक दो बुक दो। हाँ, गुड, अच्छी जोड़ी है। नाइस, अच्छी सुविधा है। अरे जाना तेरी तो, तब चल। वन टू शुरू हो जा। हाँ, यहाँ से बिना शर्ट के कौन गया? मुझे नहीं पता सर। सच में? सच में नहीं पता सर। ए इधर आओ। जी सर।
मॉनिटर रूम में टीवी में देखकर बताओ कि नकाबपोश लड़के कौन थे। ठीक है, देखकर बताता हूँ सर, पर क्या फायदा होगा सर, या किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा, मैं एक लिस्ट दूंगा, लास्ट पीरियड खत्म होने के बाद वो लिस्ट देकर कहना कि मेरी केबिन में आकर रिपोर्ट करें। पर क्या हुआ सर? कुछ बदमाशों की परेड लेनी है। ये तू ही है ना? मैं उससे कहीं ज्यादा मोटा हूँ सर। मोटा है तो फिर तू होगा। आपकी याददाश्त कमजोर है सर, मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? सर मैं भी नहीं हूँ। तू बिल्कुल नहीं है, तू तो पंजाबी पराठे की तरह है। उन लोगों को देख, जिम करके कैसी बॉडी बनाई हुई है। तो सर आप मुझे क्यों पकड़ के लाए हैं जब आपको मालूम है कि इनकी बॉडी फिट है? सर वो कौन है, हम लोग पता लगाएंगे? हाँ बिल्कुल, पता तो जरूर लगाएंगे। क्यों बकवास की बात करके मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है? तुम लोगों को नालायक बना करके बेवजह की बातें करना ही आता है, फिर सॉरी बोलते हो। सॉरी सर, पता नहीं आप आवारा लड़कों की तरह बात करने लगे हैं। चुप रहा, पहले पैंट ऊपर कर, चैन खुली है, पता नहीं है बात कर रहा है। सर ये लो वेस्ट जींस, लो वेस्ट है, दोबारा कभी पर पैंट लटका के आया ना तो पैंट उतार के नंगा कर दूंगा, समझ गया? इनमें से कौन है वो नकाबपोश लड़के? मुझ पे छोड़ दो सर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, दो दिन के अंदर हम लोग उसे उठा लेंगे। चुप रहे, तीन दिन के अंदर। ठीक है सर, तीन दिन पक्का सर। आज मेरा मूड ठीक है इसलिए बच गए। चलो जाओ यहाँ से। चलो। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है। सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कैंपस में विदेशी कहां से आ गए? टूरिस्ट होंगे। ओह कितनी हॉट है। अरे वाह। अरे क्या हुआ? ये क्या बेहुदा चीज देख रहे हो तुम? बंद करो इसे। प्रभु है प्रभु। सर मुझे ऑफ करने नहीं आता। अरे तो ऑपरेटर को बुलाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्लास में जाओ। स्टूडेंट्स गलत नहीं बोलते, तुम काम ही कुछ ऐसे करते हो बासु, यही सब देखते हो बैठकर यहाँ पर। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, चाहिए तो पुलिस इंक्वायरी करवा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, पुलिस इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वाइस प्रिंसिपल पद से सस्पेंड करता हूँ। सर क्यों? शट अप, एकदम बेकार आदमी है, पूरे कॉलेज को बदनाम कर दिया। नसीब अच्छा था जॉब नहीं गई, सिर्फ एक हफ्ते के लिए सस्पेंशन ऑर्डर ही मिला है मुझे, वो भी माफीनामा देकर उनके पैर पकड़ लिए तब। सर वो लोग आपको नौकरी से निकालना चाहते हैं, थोड़ा संभल कर रहिएगा। हाँ। सही बोला। वो लोग समुन्द्र किनारे रहते हैं ना, सुनामी में बह जाएंगे, सुनामी में उन लोगों को गुरु का श्राप लगेगा। सर उन्होंने ऑफिस में आकर आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? मुझे तो शक है, मेरे ख्याल से सर ने ही कुछ किया होगा। अरे जाना, उन्हें नंगा होकर उछल कूद करते हुए मैंने देखा है, मुझे तो शक है ये भी उन लोगों से मिला हुआ है। मतलब मैं उनके शैतानी खेल के नंबर निकाल के दूंगा, तब कहीं जाकर आपको मुझ पर यकीन होगा। हाँ। उसके बाद ये इन पर चढ़ाई करेंगे, तब जाकर आपको सारी सच्चाई का पता चलेगा। उसके बाद मैं किसके कंधे से कंधा मिलाकर डांस करता हूँ आप देखिएगा। मुझे आज तक सच में पता नहीं था कि तुम मुझे इतना मानते हो। सर आप किसी तरह वापस आने की कोशिश करिए, वरना हमारे सपोर्ट में कोई नहीं रहेगा। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं वापस आऊँगा, सुना है कि मेरी जगह पर कोई दूसरा चार्ज लेने आ रहा है। कहाँ से? कहाँ से आएगा, कौन आएगा, किसे पता। लेकिन तुम लोग उसको यहाँ पर टिकने मत देना, मेरी कुर्सी पर वो ज्यादा दिन तक बैठना नहीं चाहिए, किसी भी तरह उसे बाहर निकालना। उसकी फिक्र आप मत करो सर, उसको तो हम संभाल लेंगे। ए चलो वो आ रही है, चलो। Thank you.
टेंशन नहीं लेने का, अपन लोग है ना, कोई कुछ बोलेगा तो अपन को बोलने का, सीधा दिखा डालेगा। ए चल रहे, उससे क्या डरता है, चल चलो चलो। अरे वो आ गए, चलो जिंदाबाद बोलो, जिंदाबाद बोलो। स्वागत हो, लेक्चरर का स्वागत है, लेक्चरर का स्वागत है, लेक्चरर का स्वागत है। मुझे गिरने की आदत नहीं है बच्चों, गिरते हुए को उठाने की आदत है। सॉरी, मैं प्रोफेसर माइकल रेडिकुला कुछ दिन यहीं पर रहूंगा। हम फिर मिलेंगे, ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुबह मैंने आपको फोन, मैंने ही आपको फोन किया था। अच्छा वो, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। वैसे मेरा नंबर आपको कैसे मिला? मैनेजर ने स्टाफ को आपका नंबर कल ही दे दिया था। मैनेजर बहुत ही पहुंची हुई चीज है, हर काम एक दिन पहले करने में माहिर है। कहने का मतलब है कि मेरा नंबर कई लोगों के हाथ में है, तभी कल रात को किसी ने फोन करके मुझे डराने की कोशिश की। कह रहा था मैंने कॉलेज में पैर रखा तो मेरा पैर काट दिया जाएगा। ओ नो, कौन था वो? अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा बता रहा था, उसने अपना नाम भी बताया, तो काट बड़ी राजन ऐसा ही कुछ था। जरा होशियार रहिए, यहाँ पर खतरा है। ऐसा है, चलो कोई बात नहीं। मैं आपका नाम भूल गया, क्या नाम बताई? मेरी। मेरी। मेरी मदर ऑफ जीसस। कैसे हैं आप लोग? देखिए, ये हैं हमारे नए वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर माइकल एडिकुला। मैं यहाँ का पुराना वाइस प्रिंसिपल प्रेमराज के नाम से प्रसिद्ध हूँ। हाँ, मैंने आपका नाम सुना है। कहाँ पर? हमारे क्लास के कुछ बच्चों की जुबान से और हमारे सीनियर्स के मुंह से भी सुन चुका हूँ। उन लोगों को बहुत कुछ पता भी नहीं है। मेरा नाम करियप्पा है। आप इन्हें करियप्पा के नाम से बुलाते हैं। मैं अनु हूँ, फिजिक्स टीचर। इन्हें भरते वाला बैगन कहा जाता है। आपको सरास के नाम से बुलाते हैं, मैंने बच्चों के मुंह से सुना। और ये है? अब मेरी से तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। आते ही परिचय हो गया, मतलब ओवर टाइम ड्यूटी शुरू हो जाएगी। वासु, बिहेव योरसेल्फ। बिना विद्या के लोग पशु के समान होते हैं। बात आपकी समझ में आई? नहीं नहीं, बाइबल में तो यह कहीं नहीं लिखा है, मैं तो क्रिश्चियन हूँ। विद्या के अभाव में पाप एकत्रित होते हैं। ये ठीक है। जो सही विद्या के रास्ते में चलते हैं उसे वो पापों से दूर रखता है, ये चाणक्य सूत्र में लिखा है, चैप्टर 64 में। सर आपकी फैमिली कहाँ है? बचपन में ही मेरी माँ चल बसी, उसके 3 साल बाद पिताजी। तो फिर वाइफ और बच्चे कहाँ हैं? ओह नो, बिल्कुल अकेला हूँ कुंवारा, जिंदगी में बस भाग ही रहा हूँ। यहाँ पर कुंवारों के लिए बहुत खतरा रहता है, फड़फड़ाती तितलियों से सावधान रहना। मुझे आकाश में नहीं उड़ना है, जमीन पर पैर टिकाकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। जमीन पर जहरीले कीड़े मकोड़े और कांटे बिछाने वालों की कमी नहीं है, मैं उसे जड़ से उखाड़ने आया हूँ, उसमें से आप भी एक हो। ज्यादा तैश में आने की जरूरत नहीं है, वरना आपके दिल की धड़कन रुक जाएगी। तो अब मैं आप सब से इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलूंगा। हाँ ओके। एक्सक्यूज मी, सुबह आपने किसी फिल्म के बारे में बात की थी, उसका नाम क्या है? असहनीय पीड़ा।
सच में असहनीय पीड़ा, यानी इसकी डबिंग हिंदी में हुई है। हाँ चलते बना। गिरगिट मेरे कान बज रहे होंगे। गिरगिट प्यारे दोस्तों, इस बार सारे नाटक से हटकर हमारा ये नया नाटक नई जनरेशन को पुराने संविधान से जोड़कर बनाया गया है। माँ के कोख से जन्म लेता है वो मदर के कोख में ही समा जाता है। माँ तेरी कोख स्वर्ग के समान है, जहाँ से हमने जन्म लिया है, जन्म लिया है। एक साइलेंस, टेक योर नोट। केमिस्ट्री का लेक्चर है मैम, फिजिक्स है ही नहीं। अभी फिजिक्स नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, कैरी ऑन कैरी ऑन। ये क्या मिस, आप अभी तो आई थी और चल भी दी। मिस अगले पीरियड में आना मत भूलना, आपके साथ हम कोई क्लास मिस नहीं करना चाहते। ये लो आ गए। इन लोगों को फिर से सबक सिखाना ही पड़ेगा, इन लोगों के ज्यादा पर निकल आए हैं। तो वो तो ऐसा बोल रहा है जैसे कि उसके बाप का ही कॉलेज है। आज कौन सा क्लास है? सेकंड डीसी। अच्छा, आपके घर में कौन-कौन है, जैसे माँ बाप? डैड है, मम्मी नहीं है। मेरी भी मम्मी ही पहले गई थी। मम्मी की डेथ नहीं हुई है, वो अभी जिंदा है लेकिन किसी और के साथ रह रही है। आई एम सॉरी, ये बात सभी जानते हैं इसलिए मुझे भी वैसा समझते हैं, लेकिन मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। चलती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। पता नहीं यार प्रोफेसर कब आएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह, ड्रैकुला जैसा सर है। बैठ जा बैठ जा। ये किसने बनाया? सर समीर ने। समीर कौन है, खड़े हो जाओ। तो तुम हो ग्रुप लीडर, मुबारक हो। मुझे ये कॉलेज पसंद आया क्योंकि यहाँ एक न्यू क्रिएटिविटी है, एडिकुला ड्रैकुला, वेरी गुड। सर आप हमारे मजाक का बुरा मत मानिए। अरे मुझे पता है, ये हमारे जमाने में भी होता था। हमारे सर का पेट थोड़ा बड़ा था इसीलिए हम उन्हें मेढक सर कहते थे। ये वक्त के साथ चलने वाली हवा है जो हर जमाने में रंग दिखाती है। सर यहाँ कोई बच्चा नहीं है, सब एक नंबर के शाणे लोग भरे हुए हैं। ये सर जानते हैं, उनके दौर में भी रहा होगा। सर ये बहुत बड़ा किस्मत वाला है इसलिए हम लोग इसे लोमड़ी कहते हैं। उसे सब लोग भालू कहते हैं सर। वो झूठ बोल रहा है सर। हाँ बस बस, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों ने मुझे भी एक नाम दिया, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। बैठ जाओ। यहाँ पर शरारत सिर्फ लड़के ही करते हैं, लड़कियाँ कुछ नहीं करती। कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर आपको अच्छा लगा ना सर? खाना खाए, खाने के ऊपर सवाल है। मेरा शरीर देखकर तुमने ये पूछा? सुबह मैं कम से कम 300 मीटर चलता हूँ। हाँ चलते होंगे, कैंपस के पीछे इनके पैर का निशान जो मिला है। मजाक का दौर वक्त के कुछ पल तक ही ठीक लगता है, लेकिन वो कैंपस में नहीं। कैंपस में ऐसा होने पर मुझे शक होता है। कैंपस में चाहिए पूरी तरह से हेल्दी और शिक्षा पूर्ण जानकारियाँ। इतना सुनने के बाद भी यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़े रहते हैं। तू उल्टी बात मत कर समझा। उल्टी बात करेगा तो ठीक नहीं होगा। तुम करोगे तो चलता है, हमने किया तो क्या हुआ? ए, क्या हो रहा है? ए, हमें बेवकूफ मत समझना। बैठ जा। चुप कर। हमें तुम्हारे हर सवाल का जवाब आता है। बैठ जा। सर हम गरीब घर से आए हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए, और ये लोग है कि हमको पढ़ने नहीं देते। हम कुछ बोलते तो हमको सीधा गाली देते हैं। उसके चेले चपाटे उसी के इशारे पर नाचते हैं सर। सर इनको जो भी करना है वो करे ना, लेकिन पढ़ाई होने के बाद करे। मेरे बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। द ड्रंकन मैन, ये समीर की शॉर्ट फिल्म है सर। ओ माय गॉड, ये तो बहुत वायरल हो गया है। जब मैं आया था मेरे खिलाफ नारे लगे तभी मैं समझ गया था कि ये कुछ है। उसका जो म्यूजिक था बहुत ही अच्छा था। सर वो म्यूजिक घराने से ही है। ओह वेरी गुड, इतने सारे मंजे हुए बच्चे मेरे साथ हैं ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। राज सर के चमचे लोग हैं ना, अपनी बीन बजाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जानकारी का एक विशाल जाल अपने ऊपर समेटे हुए है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। उसने कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ दोनों ही चीजों को अपने अंदर समेट कर रखा है। जैसे मरीज को मौत के मुंह से बचाने के लिए ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टर चाकू का इस्तेमाल करता है, और ऐसा ही एटॉमी पावर वाली खतरनाक चीज भी उसमें है। इसीलिए सोशल मीडिया आज के जनरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। जो विद्या तुम लोग सीख रहे हो वो किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, किसी की मदद करने के लिए होना चाहिए, वरना वो विद्या किसी भी काम का नहीं रह जाएगा।
तो क्या ये ड्रैकुला आप क्लास ले सकता है? ओके अरे रुको रुको, परेशान मत करो, हमारे पैसे चुरा लिए थे। इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे ये ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा, फिर इसे क्यों परेशान कर रहे हो? यहाँ हमें अपनी शर्ट उतार कर काम करना पड़ता है साहब, और ये हमारे पैसे चुरा लेता है। पैसा ही नहीं, जो मिले उठा कर ले जाता है, एक नंबर का चोर है ये। साहब मुझे आप लोगों से कोई नाराजगी नहीं है, मैं सरकार की तिजोरी भरने के लिए शराब पीता हूँ। आप जानते हैं कि शराब से सरकार को कितना टैक्स मिलता है? मारो नहीं, छोड़ दो रहना। ये रोड सीधा नहीं है साहब, मुझे टेढ़ा मेढ़ा होके जाना पड़ता है। हाँ। आप जा रहे हैं ना साहब, मुझे भी रास्ते में छोड़ दीजिए, बैठ जाता हूँ साहब। चलिए साहब छोड़ दीजिए। एक से बैठ पाओगे? हाँ आदत है, मैं बैठ जाता हूँ अच्छे से। तो फिर चलो, शराब पीने के बाद दिखाने के लिए लगड़ाता है इसकी, तो निकल। हाँ मैं पीने का शौक नहीं पीता हूँ, गम भुगाने को। बस 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 रोक दो, मेरा घर आ गया, रोक दो रोक दो। अंदर ले लो, अंदर ले लो। बस बस सर आ गए हैं तो चाय पी कर जाइएगा, और मुझे जरा 100 रुपए दे कर जाइएगा। सुनिए सर, पापा पैसा मांगे तो बिल्कुल मत देना। मैं तो बीच में बाता फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ये तुम्हारे डैडी हैं? ये मेरी बदकिस्मती है सर। ये कौन है बेटा? ये हमारे कॉलेज के नए सर हैं। अंदर आइए, मैं कॉफी बनाती हूँ। जल्दी बना। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। इसको बोलो कि कॉलेज में पढ़ाई बंद कर दे सर, मछली मारे, कुछ काम धंधा करे, यही ठीक है इसके। पहले पढ़ाई पूरी करने दीजिए, फिर भूख मिटाने का भी इंतजाम करके कौन सा डॉक्टर बनेगा सर? डॉक्टर फ्रैंकलिन LLB यही लिखेगा ना? पापा की बात सुन के लग रहा होगा कि सारा खर्चा यही उठाते हैं। और नहीं तो क्या? सर ये एक नंबर के बेशरम है, जरा इनके खड़े रहने का स्टाइल तो देखिए ना। सर कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद घर का जिम्मा मैं ही उठाऊंगा, फिर माँ को मार्केट में मच्छी बेचने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, बहुत तकलीफ होती है बेचारी को। हो सके तो मेरे बाप का शराब पीना बंद करवा दीजिए सर। कॉफी बिना दूध की है सर। हाँ रुकिए सर, इसे मत पीजिए, ग्लास में मच्छी की महक आ रही है। कभी कभार दारू की महक भी आ जाती है। अरे दे दीजिए, मच्छी की ही महक ना, मुझे मच्छी बहुत पसंद है। महक रहा है क्या? कॉफी बहुत अच्छी है, मुझे काली कॉफी अच्छी लगती है। जानती हैं आपके बेटे ने मिडिल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं, ये पढ़ाई पूरी करने के बाद जरूर अपने मकसद में कामयाब होगा, और एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पगार भी मिलेगी क्या? हाँ हाँ जरूर मिलेगी। अब तुझे बताया नहीं, मुझे एक बोतल चाहिए। मेरे सामने शराब की बात मत करो, मैं इनको ले जाऊँ यहाँ से। तुझे पगार मिलेगी तो भूल मत जाना कि तेरा एक बाप भी है, तब मैं मानूंगा। आप लोग बात कीजिए, मैं चलता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है सर। ऑस्टिन कॉलेज में तुम्हारी लिखी हुई कविता मैंने पढ़ी, अरब सागर में बेहिसाब खजाना, कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। बस ऐसे ही लिखते जी। अच्छा सर, और यार कैसा? ये मुमकिन ही नहीं है यार। कैसे बात करूं? हां वैसे बता नहीं सकते। चलो अब तो तेरा होश ठिकाने आया, अच्छी बात है। अब पापा ने चिल्लाना भी बंद कर दिया है, क्योंकि सारी बात सबके सामने आ गई है। कल शाम को हमारे सर ने पापा से बात की थी, तब मेरी समझ में आया कि हमने जो फैसला लिया था वो गलत था। अब मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस दिन मैं बस मजाक के मूड में था, तुम इतना सीरियस हो जाओगी मुझे नहीं मालूम था। आई एम सॉरी। तुम वापस लौट आई उसके लिए थैंक्स। मॉर्निंग। हाँ क्या बात है, आज इतनी देर से क्यों? कुछ मत पूछ, कल अचानक डैड की तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल ले जाकर उनका ECG निकाला, सब नॉर्मल है। टेंशन दूर हुआ। वो चश्मे वाली औरत है ना जो शादियाँ फिक्स करती है, वो आई थी, उसी ने मुझे कल इतना डरा दिया कि मेरी हालत खराब हो गई। तो कुछ भी बोल, अरेंज मैरिज में ऐसे फट करके फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ करने से पहले सामने वाले की छानबीन करना जरूरी है। तू भी संगीता की तरह अपना रिश्ता क्यों नहीं छोड़ लेती कहीं? मम्मी छोड़ कर गई है, मैं अब तक नहीं भूली। डैड भी उसी गम में है। खैर वो छोड़, एक लड़की शादी करके ही घर बसा ये जरूरी तो नहीं है।
ओहो, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। हाँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है। चल चल, ये सब कहने की बात होती है। देख, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरी बात का तो बुरा मत मानना। क्या है? तेरा जीवन साथी मैं ढूंढूं क्या? एरिकुला सर के बारे में क्या ख्याल है? तेरा दिमाग तो ठीक है, मेरी बेइज्जती करवाएगी? सही वक्त तो आने दे। ऐसा क्यों, वो तुझे पसंद नहीं है? अच्छा, उम्र तुझसे कुछ ज्यादा है, ये बात है? अरे जरा आहिस्ता बोलो। ऐसा नहीं है, इतने उम्र होने के बाद भी उन्होंने शादी नहीं की है, इसकी जरूर कोई वजह होगी। हाँ? ये भी हो सकता है कि वो शादी ही नहीं करना चाहते हो। हाँ, वो तेरी तरह ही शादी के नाम से जी चुराते हैं ना। सुन, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी इज्जत पे आंच नहीं आएगी, जैसा मैं करूँ वैसा ही करना, ठीक है? अब ठीक है? फिर भी अचानक इस तरह की बात उनसे कहना। अरे बाबा, तुझे उससे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगी। तुझे ऐतराज है क्या कोई? अभी बता दे। ऐतराज तो नहीं है, फिर भी। फिर भी मन में लड्डू फूट रहे हैं, फिर भी ना कुछ। चल बाजू हट। सर। हाँ। क्या है? कल छुट्टी चाहिए क्या? नहीं, कुछ और बात है। क्या? मेरी के बारे में क्या राय है आपकी? कौन? मेरी के बारे में? मेरी के बारे में अच्छी ही राय है। मतलब आपको मेरी पसंद है? इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ? कि मेरी मुझे पसंद है और यहाँ के स्टाफ भी मुझे पसंद है, तुम भी। हाँ? मेरी शादी हो चुकी है, एक बेटा है, नाम है टार्जन। ओह, टार्जन। वो रस्सी पर लटक कर इधर उधर घूमता है क्या? हाँ, आपको कैसे पता चला? जब देखा तब वो ही करता रहता, मैं तंग आ गई उसे। टार्जन नाम के बच्चे कुछ ऐसे ही हरकत करते हैं, इसीलिए मैंने पूछ लिया। और मेरी की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ पूछना है आपको? जानना तो है, लेकिन इस वक्त मैं अर्जेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, हम कल बात करेंगे। नहीं, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल है ना, और एक अच्छा काम भी तो है ना। अच्छे काम के लिए भी कुछ समय होता है, और वो होता है चर्च में प्रेयर का समय। तुम लोग किस चर्च में जाती हो? मेरे घर के पास वाला है जो। हाँ, फिर कोई बात नहीं, कल मेरी को अपने साथ में ले आना उसी चर्च में, वहीं बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बस आते ही होंगे। सच में उन्हें यहाँ बुलाया है क्या? प्रेज़ जीसस। लगता है आए नहीं। वो देख, वो देख, आगे वो। कोई और है? मुझे नहीं लगता वो आएंगे, शायद आते ही होंगे वो। तू ही पालनहार है यीशु, तू ही सबका रचयिता यीशु, तू ही पालनहार है यीशु, तू ही सबका रचयिता यीशु। ओ यीशु, एक पिता का और एक पुत्र का और सच्ची आत्माओं का आज मिलन है। आमीन। आमीन। हाँ? अरे, सबका पालनहार और सबको चाहने वाला एक तू ही है मेरे ईश्वर, हमारी अंतर आत्माओं को हमेशा शुद्ध रखना। आमीन। आई वॉन्ट एक्सप्लेनेशन। एक फादर होने का राज हमसे छुपा कर रखा, फादर का लिबास नहीं पहनता, गोल मटोल शरीर को दिखाकर मटकता है। किस इरादे से ये फादर रेडिकुला इस कॉलेज में आ गया है और क्लास भी ले रहा है? ये रेडिकुला सेडिकुला। देखो, फादर का वस्त्र धारण करके एक अध्यापक बच्चों को शिक्षा दे सकता है, ऐसा किसी धार्मिक किताब में नहीं लिखा है। रही बात उसका फादर होने का, तो ये बात अपनी मर्जी से उसने नहीं छुपाई थी। फिलहाल ये बात किसी से ना कहने के लिए मैंने ही कही। वजह सिर्फ ये थी कि सामने वाले को फादर्स पर और मैनेजमेंट से कुछ नाराजगी थी, लेकिन अब जब सभी लोगों को ये बात पता ही चल चुकी है तो फिर क्या क्या दिक्कत है? बिना सबूत के मैं किसी को फादर नहीं मानूंगा, चाहे मेरा बाप दामोदर ही क्यों ना हो।
देखो, एक फादर के दिल में लोगों के लिए रहम होता है, उसके अंदर तमाम अच्छाइयाँ होती हैं, सिर्फ शरीर से कुछ नहीं होता। तो कल से मैं ये सोच लूंगा कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं और नंगा ही कॉलेज में आ जाऊंगा। ए, शट अप! मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है, वही गंदी चीजें। अब एक पल भी तुम यहाँ रुके तो सस्पेंशन या डिमोशन नहीं, डिसमिस कर दूंगा, समझे? डिसमिस। अरे रे, तो इतना गर्म क्यों हो रहे हैं? इस बात को प्यार से भी तो बोल सकते थे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक लंबी सांस लीजिए। बहुत हो गया, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ 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 जाओ। मैं तो जा रहा हूँ, मेरे लड़के चर्च गए हुए हैं, उनके आने के बाद संभल कर रहना। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आपस की रंजिश छोड़कर एक अच्छे दोस्त बन जाओ। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि जो नादानी में लड़खड़ाता है उसे होश में लाकर खड़ा करो। तो चलो बच्चों, अब मैं कल से इसी पोशाक में कैंपस में आया करूंगा। नहीं फादर, हमें आपका वो पहले वाला ही रूप चाहिए, आप उसी रूप में आइए। आपने कहा था कि आप हमारे फ्रेंड हैं, वही अच्छा था। बिल्कुल। आप अपने दिल का गुब्बार खत्म करने यहाँ आए, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। विद्यार्थियों को हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है? जी। ये लो भाई। लो, मदन जी भी आ गए। इस महाशय को और कोई काम नहीं, क्या जरूरत थी ये सब उठाकर लाने की? मैं भी सफर पर आया हूँ। अरे भाई, तुम्हें तो पता है ना यहाँ खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तो फिर ये सब लाने की क्या जरूरत? अरे, ये सारा सामान मैंने अपनी मेहनत की कमाई से लिया है, कोई ये ले जाता है तो कोई वो ले जाता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सारा सामान खैरात में बांटने के लिए लाया हूं? मुझे नहीं चाहिए, इन बच्चों के लिए बना देना। मुझे नहीं होगा। ये कौन है फादर? आज तक मैंने खुद ही नहीं समझ पाया, कभी कभार ये मेरे बाप के भी बाप बन जाते हैं। ये मेरे घर का सारा काम का संभालते हैं, नाम है हरी रत्न। गुड मॉर्निंग सर। फादर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तुम दोनों को, गुड मॉर्निंग। कल कहाँ चली गई थी? प्रेयर के वक्त तुम लोग दिखी नहीं, तुम्हें तो मुझसे कोई खास बात करनी थी ना? मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती थी, मेरी की शादी के बारे में ना? तुम यही कहना चाहती थी ना कि कोई अच्छा सा लड़का इनके लिए देखो? जी हाँ, मेरी। फिर तुमने कहा क्यों नहीं? वो मुझे फोन आ गया था, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। किसका? हमारे टार्जन का? क्या हुआ? रस्सी से लटकते समय गिर गया? अरे वो बुखार। हमारे करीबी रिश्तेदार का एक लड़का है जो एक कुट्टी, वो ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर है, उसने मुझसे कई बार कहा कि अगर उसके लायक कोई अच्छी सी लड़की हो तो बात करके देखो। ये देखो, ये वही है। अच्छा। जानती हो मेरी, मैंने तुम्हारे बारे में उसे सब कुछ बता दिया है। नेक्स्ट वीक वो आ रहा है, अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारी शादी की बात उससे करूँगा। पहले तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लो, फिर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। हैं? क्या कहती हो? तो फिर मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। कल की बातें छोड़ के इस पल को रख आगे, सच हो तेरी जिंदगी न झूठ सी लागे। कल की बातें छोड़ के इस पल को रख आगे, सच हो तेरी जिंदगी न झूठ सी लागे। खुशियाँ बिखेरो तुम हर एक जगह, होगा वही जो है किस्मत लिखा। जीवन का बस यही हो फलसफा, ऐ खुदा ऐ खुदा, रहमता रहमता। कल की बातें छोड़ के इस पल को रख आगे, सच हो तेरी जिंदगी न झूठ सी लागे। कल की बातें छोड़ के इस पल को रख आगे।
मैं बचपन से ही फादर के परिवार में काम करते आया हूँ। फादर मेरे लिए बेटे के समान है। बहुत अच्छी बात है। पहले के लोग बहुत कमजोर थे, फादर फिलिपोस। फिलिपोस तो बहुत कड़क भी थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा भी उनके जैसा फादर बने। तब तो फादर करोड़पति घर के होंगे। नहीं तो सब कुछ बेचकर खा गए। वही थोड़ी बहुत चर्च की जगह है, उसी को अपना घर मानते हैं। बच्चों को कौन सी कहानी सुना रहे हो? अरे ये महाशय हर एक बात को बढ़ा चढ़ा कर हाँकते हैं। बैठ जा। जो है वही बताया। अब वो किसी भी वक्त बिक सकता है, फादर का वो छोटा सा घर। अरे भाई मैंने अपनी मौसी को वो घर रहने के लिए दिया है, ये बात इन्हें पसंद नहीं है। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। बुरे वक्त में अपने लिए थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए। इन बच्चों के लिए यहाँ पर एक हॉस्टल बनाना है और उसके लिए हमें कुछ करना होगा। तुम लोगों को हॉस्टल चाहिए कि नहीं? चाहिए। हमारे कॉलेज को एक हॉस्टल की जरूरत है। इसके लिए मैंने फादर से एक साल पहले ही कहा था। पुराने खेत में बनाने की पहले से ही परमिशन मिल चुकी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना फंड अंदर कैसे कर सकते हैं? वैसे भी इन बच्चों के घर से तो भीख भी नहीं मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा सुखी मच्छी हो दो चार बातें। सर की ये बात तो एकदम सही है। आगे पीछे बिना कुछ सोचे कुछ भी करते हैं यहाँ के पादरी लोग। क्यों ना एक फंड रेजिंग का प्रोग्राम करें? हाँ बिल्कुल सही, किसी फेमस फिल्म स्टार को लाकर डांस का प्रोग्राम करते हैं, कैसी आइडिया है? उससे इतना बड़ा फंड जमा होगा, महंगी टिकट रखेंगे तो कोई नहीं आएगा। हमारे फादर को तो वैसे भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो इनकी नौटंकी देखने यहाँ कौन आएगा? बासु, मैं एक सजेशन देता हूँ, क्यों ना हम लोग एक फिल्म बनाएं। अब ये फिल्म बनाएंगे? मेरा एक करीबी दोस्त है जिसे कि आप लोग भी जानते हैं, वो एक एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी, मिस्टर विजय बाबू। वो नए कलाकारों को लेकर फिल्म बनाता है और मार्केट में धमाल मचाता है। मैंने इस बारे में उससे बात भी की है। हमारी फिल्म में हम बाहर से किसी को नहीं लेंगे, इस कैंपस के स्टूडेंट्स और स्टाफ ही उस फिल्म में काम करेंगे और उसकी शूटिंग भी हम ही करेंगे। वैसे मार्केट के एक्टर को लिए बिना इन मुर्दू जैसे लड़कों को लेकर फिल्म बनाओगे तो देखने कौन आएगा? मार्केट के तजुर्बेकार एक्टर को मैं अपनी तरफ से लेकर आऊंगा। अपने तजुर्बेकार एक्टर्स को अपने पास रखिए और बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए। मुझे बताओ ये फिल्म बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? 1.5 करोड़ रुपए विजय बाबू हमारे लिए लगाने को तैयार है। कैमरा, एडिटिंग, मेकअप मैन और टेक्नीशियंस वो हमें देगा और इससे हम सबका फायदा होगा। अगर हम 1 करोड़ रुपए में ये फिल्म पूरी कर लेंगे तो 50 लाख रुपए हमें हॉस्टल फंड के लिए बचेगा और अगर फिल्म चल गई तो उसका प्रॉफिट भी हमें मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो कॉलेज कैंपस में बनी हुई ये इस राज्य की पहली फीचर फिल्म होगी। मतलब फाइनेंस का रिस्क हमें नहीं उठाना है। ये सब एक अच्छे काम के लिए हो रहा है, इसीलिए विजय राजी हुआ। मैनेजमेंट को और यहाँ के हमारे सारे स्टूडेंट्स को मेरी ये बात पसंद आई है, तो आप लोग सब तैयार हैं ना? ओके ओके। तो सबसे पहले हमें इस फिल्म के लिए एक अच्छे डायरेक्टर को ढूंढना होगा। सर अगर आपको एतराज ना हो तो मैं समीर का नाम सजेस्ट करता हूँ। इस काम के लिए समीर ही सही रहेगा सर। तुम लोगों ने बिल्कुल हमारे मन की बात की और अब हमें एक अच्छी सी कहानी चाहिए। हमारी इस फिल्म के लिए जो भी हमारा साथ देने को तैयार होगा हम उसका सहयोग लेंगे। सर इस काम के लिए विजय माल्या भले ही साथ दे रहा हो सर। विजय बाबू, वही इनका विजय बाबू सर, मेरे हिसाब से कुल्हाड़ी को उठाकर अपने पैरों पर मारने जैसा होगा सर। मुझे इतने सालों का तजुर्बा है सर, ये नामुमकिन होगा सर। मैं चलता हूँ सर। हाँ चलो। अरे छोड़िए उसे। सुनो तुम्हें कुछ खास क्लिप्स व्हाट्सएप पर भेजे थे, तुमने देखा क्या? नहीं तो नहीं, टेबल पर तो रखा था। सीढ़ियां जरा संभाल कर चढ़ो, फिसल कर गिर जाओगे। वो यही है ना? सुनिए ये जवानी का जोश बढ़ाता है क्या? इंसान की सोच को कहीं और ले जाता है, मतलब जवानी की ओर। मेरी इज्जत बचा लेना। विषम विषमेव सर्वकालम, जहर हमेशा जहर ही रहता है, ये जानने के बाद भी लोगों को शर्म नहीं आती है ना? बिल्कुल। मैं तुम्हारी रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। अरे रे फादर ऐसा मत करना, मैं सुसाइड कर लूंगा। सुनिए आपको फिल्म बनाने में जितनी भी मदद चाहिए मैं करूंगा। आप बच्चे वाले इंसान हो फिर भी ऐसी हरकत करते हो? आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको शायद पता नहीं, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, मुझे चर्म रोग की बहुत बड़ी बीमारी है, वो भी एक तरह की नहीं तीन तरह की। एक रोगी होने के नाते मुझ पर रहम करोगी? नहीं फादर। क्या हुआ? उस बीमारी के लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। वो क्या है मुझे बताओ ना फादर। एरथ्रिना वेरिगेटेड, नाम सुना है तुमने? एक फिल्म की एक्ट्रेस है जो हाथ उठाकर खड़ी रहती है। अरे नहीं नहीं, ये एक बॉटनिकल नेम है।
अगर देसी भाषा में कहूँ तो ये पहली दवाई है। वो ऊपर से शुरू होता और नीचे तक उतर कर खत्म कर देता है। समझ गया। सारी चमड़ी की बीमारी खत्म हो जाएगी। ये तुम्हारे जैसे पापियों के लिए भगवान की तरफ से दी गई नर्क की सजा है। फादर, आप कुछ भी करेंगे मैं आपका विरोध नहीं करूँगा। अब आज से हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हम दोनों के बीच कोई अनबन नहीं है। मेरे मोबाइल में अच्छी अच्छी क्लिपिंग्स है, मैं वो आपको भेज देता हूँ फादर। उसके बाद तो आप भी मेरी तरह चर्म रोगी हो जाएंगे। शैतान है? शैतान हो तुम। पहचान गए? इस विद्या के मंदिर को बिगाड़ने वाले शैतान का एक रूप हो तुम है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। चलो जाओ। ये क्या? कुछ तो स्पार्क है इसमें, लेकिन इसमें शॉर्ट फिल्म से इकट्ठा किए गए क्लिपिंग पीस हैं। एक अच्छी कमर्शियल फिल्म बनाने का ये सब्जेक्ट नहीं है। अच्छी सोच और अच्छी पकड़ अगर फादर के दिमाग में है तो उनसे सीख लो और तैयार करो। कॉन्सेप्ट का मतलब और लोगों को इससे अच्छी सीख देना, इसलिए इस पर मैं रिस्क नहीं उठा सकता। जहां तक मैं समझता हूँ फिल्म के बारे में तुम सबको जानकारी बहुत कम है। तो फिर विजय, कोई अच्छा सा राइटर तुम ही लाकर दो ना। पहले तो मैं एक अच्छे राइटर को देखूंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके। हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए। बात कहाँ तक पहुँची? बैठिए बैठिए बैठिए। कुछ दिनों से स्कूल के काम में बहुत उलझा हुआ हूँ। एक फोटोग्राफर से स्कूल के कुछ फोटोग्राफ्स लेने थे। आज देता हूँ कल देता हूँ करके रोज दौड़ा रहा है। उसी चक्कर में गया था। हाय, कैसा चल रहा है? सब अच्छा। चलो। हाँ ठीक। कौन है वो? इस ऑडिटोरियम को जिंदा रखने वाले एक अहम शख्स, विश्वा मेमोरियल ऑडिटोरियम को। ये वही विश्वनाथ है। एक क्रिश्चियन ट्रस्ट कॉलेज की स्थापना करने वाले एक हिंदू नौजवान। वेरी इंटरेस्टिंग। इस कॉलेज की स्थापना इन्हीं की वजह से हुई है। ये विश्वा है, इसलिए हमारे पोप ने कहा है कि इनकी तस्वीर बीच में लगाना। इस कॉलेज को बने आज 10 साल हो गए। एक चर्च की जगह थी। यही के रहिवासी समाज के माने जाने मार्क नरगल ने इस जमीन को लीज पर लिया था, लेकिन सारा काम अधूरा रह गया। केस हारने के बाद इस जमीन को फिर से वापस लेकर दिलाने वाले ये विश्वा ही हैं। कहीं वो गुंडा तो नहीं थे? कुछ लोग यही समझते थे। विश्वा दादा, जहां तक मैं उनके बारे में जानता हूँ, वो बहुत ही ईमानदार थे, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला एक सच्चा इंसान। यहाँ आने के बाद मैंने विश्वा के बारे में बहुत जानकारी हासिल की। अनपढ़ होने के बावजूद पढ़ाई लिखाई के प्रति वो बहुत ही समर्पित थे। इस कॉलेज का फाउंडेशन रखने के दूसरे दिन ही माफिया के लोगों ने उन्हें मार दिया। मार्क नरगल जेल नहीं गया, उसने गुंडों को सुपारी देकर मरवाया। उनके फिशिंग बोट में काम करने वाले कोई काका रमेश है, उसी नाम से बुलाते हैं, उनके हाथों मरवाया। That's an interesting story. तो इस कहानी को लेकर हम ये फिल्म बना सकते हैं क्या? मैं यही कहने वाला था कि इससे एक अच्छी फिल्म बनेगी। पहले कभी इस तरह की ओरिजिनल कहानी पर फिल्म बनी ही नहीं है। ये हमारा प्लस पॉइंट है। Yes. एक अनपढ़ होकर भी शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाला और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एक नौजवान की कहानी। इसमें हमें उनके त्याग को दिखाना है और इसके द्वारा हमें समाज को सच्चाई दिखानी है। विश्वा के बारे में सारे माइन्यूट डिटेल्स आप लोग कलेक्ट कीजिए। सर। यस। ये विश्वा जी मेरे पापा के बहुत करीबी दोस्त थे। बचपन में मैं विश्वा जी को देख चुका हूँ। विश्वा जी के देहांत के बाद ही मेरे पापा पक्का शराबी बने। ये छोटी मोटी कविता और कहानियाँ अच्छी लिख लेता है, तो फिर क्यों ना स्क्रिप्ट इसी से लिखवाई जाए। यस, व्हाई नॉट, देखे तो सही। सर, मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर। तुम जो भी लिखोगे उसमें कुछ कमी रहेगी तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम लिख लोगे। तुम बस हिम्मत रखो। विजय, अब इस स्क्रिप्ट के लिए जो भी जानकारी चाहिए उसे पाने का काम हम शुरू कर देते हैं। समर वेकेशन में शूटिंग शुरू करनी है, इसलिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जी बिल्कुल। अब हमारा पहला कदम विश्वा की जिंदगी के बारे में जानना। विश्वा कौन था, क्या था, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मन पागल ये किस राह चलो, कैसी मुश्किल मैं कह न सकूं।
मन पागल ये किस राह चलूं कैसी मुश्किल मैं कह न सकूं तोड़ दी इस जहां की सारी हदें सब हदें प्यार की निभाई सब रस में किस राह चलूं कैसी मुश्किल मैं कह न सकूं के लिए ये कुछ भी नहीं वो हमेशा पुलिस केस में फंसा रहता है लेकिन मेरा दिल हमेशा जलता है क्योंकि सारा गांव उसका दुश्मन है कभी अपने बाल बच्चों के बारे में सोचा है क्या जरूरत है हर किसी से उलझने की हाँ, ओके ओके हाँ, अब आ भाई विश्वकर्मा तुम जो भी कर रही हो हमारे स्कूल के भलाई के लिए कर रही हो हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़े इसलिए कर रहे हो ना इस बात को भले ही जमाना ना समझे मैं भूल गई हाँ ठीक है तुमने डायलॉग याद की थी भूल गई अगला कैरेक्टर कौवा रमेश का है तुम लोग मच्छी का भीख मांगने के लिए यहाँ मत आओ समझे ना किसी को मच्छी का पूछ तक नहीं मिलेगा अच्छे से समझ लो मालिक को मैं देने भी नहीं दूंगा समझे चलो अरे वाह चला जाओ ओके सामने कहाँ आ रहा है यार ये तो फुल नौटंकी लगता है सुन ले कौवा रमेश खेल तू अच्छे ढंग से खेलना अगर दोबारा मुझे विश्वास दिखाना
तो मैं तेरी सांसें बंद कर दूंगा, समझा? कौवे कहीं के? मेरी बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने दोबारा मेरे लड़कों से पंगा लिया ना। बस बस इतना काफी है, ओके ऐसे कैसे बस हो गया? मैं और करूंगा, मैं एक एक्टर हूँ, मुझे आप लोगों ने रुआब दिखाया ना। अरे अरे वो मसाले वाली क्लिपिंग है ना, छुपा लेना। मैं जा रहा हूँ। सच्चा मर्द है तो मुझसे टकरा कर दिखा। रमेश तू विश्वा के साथ मत खेल, समझा? ए विश्वा, मैं तुझे बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। बेटा रमेश, अब तूने हद से ज्यादा खेल खेल लिया है, तेरा टाइम खत्म। बाकी कैरेक्टर्स के लिए तो ये लोग चल जाएंगे, लेकिन विश्वा के कैरेक्टर के लिए कोई और चाहिए। अब ऑडिशन देने के लिए तुम तीन फादर ही बचे हो। प्रेयर के समय लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे, चर्च का फादर फिल्म में काम कर रहा है, ये बात हमारे गांव में फैल जाएगी, इसीलिए हम इसे दूर रहना चाहते हैं। तो हम किसी मार्केट के आर्टिस्ट से अगर ये रोल करवाए तो कैसा रहेगा? हर फिल्म में हर सीन को बहुत ही यूनिक तरीके से फिल्माया जाता है, इसलिए एक ही कॉलेज के स्टूडेंट, स्टाफ, टीचर्स मिलकर स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब तैयार करके एक फिल्म बना रहे हैं। पूरी दुनिया में लगता है ये पहली बार हो रहा है, थिएटर में रिलीज करके कमर्शियल टच देना है इसे। इस फिल्म में काफी यूनिकनेस है, इसलिए लगता नहीं ये पूरा होगा। किसी एग्जिस्टिंग हीरो को लाएंगे तो उसमें वो यूनिकनेस नहीं रहेगी, इसलिए हम किसी स्टार को कास्ट करेंगे, लेकिन उससे हमारा पेमेंट, स्टाफ का खर्चा, मतलब सारा सेटअप बिगड़ जाएगा। हमारा जो बजट का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, इसलिए मेरी राय है कि फिलहाल इसे फ्रीज कर देते हैं। अब मतलब आई एम सॉरी गाइस, ओके आई एम सॉरी ब्रो, प्लीज डोंट, इट्स ओके। ओके चलता हूं। हेलो हेलो, हाय सर, मैं समीर। हाँ समीर बोलो। सर एक बार वापस आइए ना प्लीज। समीर मुझे अर्जेंट काम है, क्या बात है बोलो। सर विश्वा के रोल के लिए एक अच्छा आदमी मिल गया है, हम सबको लग रहा है कि वो 100% परफेक्ट रहेगा, एक बार आप देख लीजिए ना प्लीज। अब डायरेक्टर ही इतना कॉन्फिडेंट है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। ठीक है आ रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके कौवा रमेश, अगर दोबारा मेरे बच्चों को चोच मारने आया तो आसमान में उड़ने के लिए तेरे पंख नहीं बचेंगे। जिंदा रहना तो यहाँ से दूर जा, शैतान का दूध कौवा। देखकर खड़ा रहने से काम नहीं चलेगा, मार्क नरगल के बोर्ड से किसी को एक मांडली तक नहीं मिलेगा। ये बात तो तुमने सही कही, मगर कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। क्या हम लोग एक बार सेठ से बात करें? हमारे सेठ की बोर्ड खराब है तो हम उसमें मच्छी कैसे पकड़ेंगे बताओ? बीच समुद्र में कुछ हो गया, हम डूब गए तो कौन बचाएगा? मैं विश्वा वर्कशॉप चलाता है, वो मछली कहाँ से लाकर देगा रमेश? ये तुझे पता है ना, फिर क्यों उसके पास नौकरी करके उसके तलवे चाट रहा है? हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ सके इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं रमेश भैया। हाँ मच्छी पकड़ने वालों का पेट कॉलेज में पढ़ाई करने से ही भरता है ना। चल तुझे अपना काम कर, तू जरा समझा के देख। रमेश भैया हम सबको थोड़ी मच्छी देना। अरे जयंती तुझे शर्म नहीं आ रही मुझसे आकर मच्छी मांगते हुए? तेरे मर्द ने जिस बोट वाले को मारा है ना उसकी वजह से तुम लोग भूखे मर रहे हो आज, उसके घर वालों को मच्छी का एक टुकड़ा तक नहीं मिलेगा। देख
फालतू की बातें मत कर वरना वरना क्या कर लेगी तू दोबारा बोल फिर देख ए भिखमंगी ज्यादा बात मत कर नहीं तो दूंगा काट के नीचे औरत पर हाथ मत उठा वरना विश्व तुझको छोड़ेगा नहीं हां विश्व मैं लेगा ना तुझे विश्वास इतना ही प्यार है तो अपनी बीवी को ले जाकर दे दे उसे बीवी के बारे में बोलेगा तेरी तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं तेरी तो मेरे बच्चों को चोट मारने की कोशिश की तो आसमान में उड़ने के लिए तेरे पंख नहीं बचेंगे जिंदा रहना है तो यहां से भाग जा शैतान का दूत कौवा आ जा कहीं लगी तो नहीं ना सच में नहीं लगी ना है ला चल मेरी लुंगी दे दे बहुत बढ़िया सच में फादर मान गया अरे अब अच्छा हुआ या नहीं ये बात तो तुम ही लोग जानो तुम्हारे हौसला बढ़ाने से ही मैं एक्टिंग की हिम्मत जुटा पाया जब जीजस का सपोर्ट ही आपके साथ है तो आप घबरा क्यों रहे हो लेकिन मैं पहली बार कैमरा के सामने आया इसीलिए जरा आपको ऐसा देख के लगता है नहीं कि आप इतनी अच्छी फाइट कर सकते हो कैमरा के सामने आपने पहली बार फाइट किया है कि मैं जब छोटा था तब फादर फिलिपोस ने पापा को बताए बिना मुझे फाइटिंग की क्लासेस ज्वाइन करवाए थे आज उसी का फायदा मुझे मिला चलो फादर आगे का देखो सच में बहुत अच्छा किया सर चाय हम लोग कितनी देर से यहाँ चाय का इंतजार कर रहे हैं तुम लोग को ये खेल लगता है क्या सॉरी सर ऐसा नहीं चलता यहाँ चलो भाई आ जाओ खड़ूस अरे बाप रे ये तीनों काम एक साथ करना सबके वश की बात नहीं है एक तो चलते हुए सिगरेट पीना ऊपर से गॉगल पहनकर सीढ़ी उतरना सर पहले सिगरेट जलाइए उसके बाद उतरते हुए डायलॉग बोलिएगा पहले ये सिगरेट जलाना उसके बाद धुएं के बीच से सीढ़ी उतरना फिर डायलॉग ये तीनों काम एक साथ नहीं होगा मैं एक टीचर हूँ मैं सिगरेट नहीं पीता आप नहीं पीते ये किसने कहा मैं मार्क नरगल हूँ मेरी तरह वो भी सिगरेट नहीं पीता और इतना ही नहीं क्या जरूरत है औरों को जहर पिलाने के लिए बढ़ावा देने की सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है ये टीवी पर दिन रात आता है फिर ये सीन फिल्म में डालने की क्या जरूरत है इसे ना इस तरह फेंक दो इसका किस्सा खत्म हो गया अब देखो वो चला गया ना हाँ देखो सिगरेट नहीं चाहिए टेक नहीं, करते हैं चलिए कैमरा रेडी रेडी एक्शन ये कौन है सेंसर बोर्ड का फादर कट 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 सर क्या बोल रहे हैं आप नहीं वो सुबह सेंसर बोर्ड की बात हो रही थी ना तो मिक्स हो गया सेंस में आओ सचिन क्या कहा सेंस में आओ सचिन एक मिनट जरा मुझे इसका पूरा मतलब समझाओ क्या नहीं वो पहले के जमाने में क्या हुआ सर यहाँ आसपास के गांवों में फादर्स का बहुत बड़ा नाम है मुझ जैसे शरीफ आदमी को मार्क नरगल जैसा घटिया नाम देने के लिए किसने कहा सर पहले आप काम कीजिए बाद में देख लेंगे मैं तेरे खिलाफ था उसी का बदला ले रहा है क्या देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ गुरु की इज्जत करना सीखो गुरु का मजाक मत उड़ाओ वरना श्राप लगेगा मेरा साथ दो अगर साथ दोगे तो मैं भी तुम्हें प्यार मोहब्बत अपनापन सब दिल खोल कर दे दूंगा तुम्हें जो जो अच्छा लगेगा उसमें से चुन चुन कर ले लेना सर आप नाम ठीक से बोलने की कोशिश कीजिए ना करूंगा हाँ, करूंगा जरूर करूंगा ठीक है चलो हाँ ठीक है चलते सर ट्रॉली जब बैक में पहुंचेगी तब आप स्लोली मूव कीजिएगा ठीक है फादर ट्रॉली के मूव करते ही तुम फट करके मत आना यह पिक्चर है खेल नहीं है तुम अपना डायलॉग ठीक करो जाओ अरे वाह ये मुझे ही समझा रहा है ये होता है फादर का एटीट्यूड क्लैपिंग साउंड रोलिंग स्टार्ट कैमरा टेकिंग क्लैप एक्शन अच्छा ये कौन है फादर जोसेफ yes. प्रभु यीशु आपका मन पवित्र रखें प्रभु आपका मन भी पवित्र रखें कट इट जोसेफ फादर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं काम करते हैं कि उनका सीन शूट करते हैं
मार्क, तुमने ये जमीन सिर्फ 10 सालों के लिए ही लीज पर ली थी। लीज अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपने अपना ऑफिस वहाँ से नहीं हटाया, ये ठीक नहीं है। केस कोर्ट में चल रहा है फादर, मैं वहाँ रहूँ या हटूँ ये फैसला कोर्ट को करने दो। ओ, लेकिन उसके लिए बहुत समय लगेगा। जल्द से जल्द आप अपना ऑफिस वहाँ से हटा लें ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। अगले साल तक उस जगह पे अपना कॉलेज शुरू करना है। फादर, कल से मैं उस बांध काम को और बढ़ाकर वहाँ पर मच्छी का धंधा लगाने वाला हूँ। मेरे 100-200 मजदूरों के पेट पर लात मारकर आपको क्या फायदा होगा? क्यों जिद पकड़े हुए हो? पूरे गाँव वालों का सपना जुड़ा है उस कॉलेज से। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बन रहा है वो कॉलेज, उसे रोको मत। फादर, अगर यहाँ के सारे लड़के कॉलेज में पढ़ने जाने लगेंगे तो फिर मच्छी पकड़ने का धंधा कौन करेगा? मछुआरों की खानदानी परंपरा को तोड़कर उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करोगे ना तो मेरा श्राप तुमको लगेगा। कट इट, ओके। लगे रहो, और कुछ तो काम नहीं है। दीदी, हम लोग यहाँ नाइट शूट करने वाले हैं। दीदी, आपको और बच्ची को कोई परेशानी ना हो इसका हम ख्याल रखेंगे। जी हाँ। कैसी परेशानी? ये तो विश्वा की कहानी है ना। ओके। ये लड़की? जी हाँ। और इनको मैंने, इनको कभी देखा नहीं पहले मैंने। अरे दीदी, इन्हें आप मेकअप की वजह से पहचान नहीं पा रही हैं। विश्वा कौन बना है? फादर नहीं आया अभी तक? नहीं यार, बस बुलेट से आते ही होंगे। हाँ, वो फादर माइकल विश्वा जी का रोल कर रहे हैं। आइए फादर। विश्वा जी की वाइफ और उनकी बेटी। स्क्रिप्ट में अपने कैरेक्टर को देख लेना। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? श्वेता। हाँ। मेरी पहली बेटी का ये नाम दिया, इसे बहुत प्यार करते थे। उसकी याद को जिंदा रखने के लिए विश्वा ने ये नाम रखा है। इससे ये पता चलता है कि विश्वा जी अपने परिवार को कितना चाहते थे। उन्हें गुंडा समझने वाले बेवकूफ ये नहीं समझ पाएंगे। इस फिल्म के बनने के बाद वो फिर से लौट आएंगे। तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारे पतिदेव फिल्मों के बड़े एक्टर बन गए हैं। पहले की तरह मैं कभी भी घर पर नहीं आ सकता, मैं इस वक्त शूटिंग कर रहा हूँ। क्या पी रहा हूँ? जूस। फिल्मों में काम करने वाले जूस ही पीते हैं। तुम्हें पता नहीं है मेरे कितने फैंस हो गए हैं। कोई ऑटोग्राफ लेता है, कोई सेल्फी, ये कर करके मैं थक गया हूँ। लो, फिर से कोई फैन आ गया। अब तुम फोन कट करो और सो जाओ। ओके, बाद में बात करता हूँ। मार्क नरगल का रोल तुम ही कर रहे हो ना? आइए आइए, अंदर आइए। सुबह से लोकेशन पर यही तो चल रहा है। अच्छा? मैं खुद ही आपसे मिलना चाहता था, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया। मेरा रोल करके तुम बहुत नाम कमा रहे हो। हाँ, मुझसे मिलने के लिए। स्टोरी का मेन विलन ही है मार्क नरगल। चाहे कुछ भी कहो, इस फिल्म का हीरो भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्लैप हमेशा मेरे ऊपर रहता है। ये रोल मेरे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर कर रहा हूं। ऐसा क्या? अब बताइए, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करता। ओहो, कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा। आपने नाम नहीं बताया। तू जिसका रोल निभा रहा है वो आदमी मैं ही हूँ। रियल लाइफ का विलेन मार्क नरगल। ओहो, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं जो रोल कर रहा हूँ वो साक्षात मेरे सामने। मैं इस कैरेक्टर में जान डाल दूंगा। मुझे आपसे हैवानियत का सीन सीखना है। आप मुझे सिखाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल सिखाऊंगा, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। वेरी गुड। वो क्या है कि मैं क्लाइमेक्स में थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। उस विश्वा को आपने एक ही बार में मारा था या फिर इस तरह करके मारा था? तुम्हें बोलकर बताऊं या एक्शन करके दिखाऊं? हकीकत में करके दिखाओगे? आओ सुनो, विश्वा को कैसे मारा जरा इसे दिखाओ तो। अरे उसके बाद क्या था? हड्डी तोड़ो, वो भी फोड़ो, उसका हाथ तोड़ दो, और जोर से लात मारो, और जोर से लात मारो। बहुत बढ़िया, ऐसे ही। अब कमर घुमाओ और इसको पैर से कुचल दो, ऐसे ऐसे। अरे और जोर से ऐसे कुचलो ना, ऐसे। बहुत बढ़िया, बस हो गया। पता चल गया मैं कौन हूँ। मुझ पर फिल्म बनाओगे तुम लोग? ये फिल्म बनाने का काम यहीं पर रोक दो, वरना सबको बीच समंदर में डुबोकर मारूंगा। किसी को तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेगी। फिर से विश्वा को जिंदा करने की कोशिश की ना तो सोच लेना, मार्क नरगल से बुरा कोई नहीं होगा। चलो, मार्क नरगल का रोल निभाएंगे। आ, 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 आ,
अरे सर, ये क्या हो गया आपको? फादर कहाँ है? फादर, जरा इधर आइए ना। फादर, मार्क नरगल मेरे रूम में आकर मुझे धो डाला। उसने कहा कि अगर फिल्म बनाओगे तो बहुत मारूंगा। वो सबको मारने की धमकी देकर गया है। मुझसे जबरदस्ती विलन का रोल करवाकर आपने मेरा पूरा हुलिया बिगड़वा दिया। अभी आपको हमको बुलाना चाहिए था सर। बुलाना तो चाहता था, लेकिन उस समय बुलाने की हालत में नहीं था। उसने सबको मारने की धमकी दी तो मैं बहुत डर गया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि सब कुछ बंद कर दो। अच्छा। मैं हॉस्पिटल में जाकर ये पैच वर्क करा के वापस आया तो उसने मुझे वहाँ आकर धमकी दी कि तू दोबारा मुझे यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। उसने मुझे तो पीटा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि और किसी को पीटे। जो सोचकर तुम लोग ये फिल्म बना रहे हो वो किसी काम की नहीं। वो अकेला आया होता तो मैं उसे देख लेता, लेकिन अपने गुंडों को लाया था। उसके गुंडों ने मुझे कपड़े की तरह धो डाला। हे भगवान! सर, हमें पुलिस स्टेशन में जाकर सीधे कंप्लेंट करनी चाहिए। उसकी जरूरत नहीं, वो भी कह सकता है कि उसे बदनाम करने के लिए ये फिल्म बन रही है। ऐसी कंप्लेंट भी कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है स्टे भी ले ले। तो हम एक काम करते हैं कि फिल्म में एक्टिंग इनसे करवा लेते हैं और उनका शक दूर करने के लिए बाद में डबिंग हम उनसे करवा लेंगे। ये भी सही है। वो सब तो बाद की बात है, हमें तो फिलहाल इस फिल्म को बिना रुकावट कैसे पूरी करनी है इसके बारे में सोचना है। बिल्कुल। सुनो, केस की जरूरत नहीं है, उसको दो चार खींच दो। ये हमारे बच्चे किस काम के हैं? ये कुछ नहीं करेंगे क्या? तो सोच क्या रहे हो, जाओ उसको। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जुल्म का जवाब जुल्म से देकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसीलिए मैं उनसे बात करके सब ठीक कर दूंगा। ये भी ठीक है। इधर आओ। क्या है? अरे आओ तो, आओ। उस शैतान का घर कहाँ है पता करो। स्वर्ग में नहीं, नरक में जाओगे। हाँ। वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। अब तुम साइड हो जाओ। वो बाद में, अभी हट जाओ। पहले बताओ। ये क्या फादर, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कोई विश्व महान हस्ती नहीं था। छोटी मोटी लूटपाट करने वाला मामूली सा गुंडा था। एक दिन किसी छोटी सी हाथापाई में बेचारा मारा गया। उसे मारने वाले जेल के अंदर हैं। और उस केस में अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। मैं बेगुनाह हूँ और मैं खूनी हूँ ये बताकर आप अपनी फिल्म बना रहे हैं। ये तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। आप गलत समझ रहे हैं, किसी को बदनाम करने के लिए फिल्म नहीं बन रही है। इस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने का सपना विश्वा का था। उसके सपना को पूरा करने के लिए विश्वा की स्टोरी पर हम फिल्म बना रहे हैं, बस इतनी सी बात है। पर मुझे खूनी क्यों दिखा रहे हैं आप? इस फिल्म में आप एक विलेन हैं। पिछले 10 सालों से यहाँ के लोग यही समझते आ रहे हैं। इस कहानी में आपकी इज्जत खराब होने का सवाल ही नहीं उठता। आप ऐसा सोचो भी मत। इससे आपकी हार नहीं होगी। देखिए, सपना पूरा होने के लिए पूरे गांव वाले और बच्चे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये देखिए। मार्क सेठ, अगर टांग अड़ाए तो ठीक नहीं होगा। आपको उसका जवाब देके जेल भी जाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटने वाले। इज्जत से चुप रहो। हमारे विश्व भाई का सपना हमारे बच्चों से जुड़ा है। ए, अगर दोबारा कभी हमारे आदमियों को तुम लोगों ने हाथ लगाने की कोशिश की ना तो हम क्या करेंगे हमें भी नहीं पता। तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे, वो हल करेंगे। ए, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हें सारी बातें समझ में आ गई है। सुनो, आजकल के बच्चे जरा हटे हुए दिमाग के होते हैं। कौन कहां पर मारेगा, कैसे मारेगा, ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए समझ जाओ। देखो, मैं चाहता हूं कि सब सही रहे। जब भी दिल करे शूटिंग देखने आ जाना। Whoa!
दोबारा अगर इस बच्चे पर हाथ उठाया तो तेरी दुकान में घासलेट नहीं रहेगा, सब तेरे शरीर पर डालकर जला दूंगा। जंगली सुअर की औलाद। विश्वा जी कहाँ गए? वो पुलिस स्टेशन गए हैं, कहा था कि अभी आ रहे हैं वो। मुझे पता है तुम मुंह नहीं खोलोगे, और कितना काम बाकी है? अरे कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? क्या पता कितना काम है। कहाँ गए थे? मैं गाड़ी देखने गया था। पुलिस जीप देखने गए थे? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? क्या जरूरत थी विश्वा, क्यों सबसे उलझते हो? तुम शांति से बैठ नहीं सकते? अगर सभी लोग यही सोचने लगे तो इंसान की जिंदगी कचरे की गाड़ी जैसी हो जाएगी। देखो, इसे पेंट करके सजा कर रखने के लिए हमें औरों की मदद करनी चाहिए, और जो बातों से नहीं मानते उन्हें लातों से मनवानी पड़ती है। मतलब और भागदौड़ करनी पड़ेगी क्या? राशन कार्ड की जमानत पर यह मामला खत्म हुआ इट्टू पेट का। हे भगवान, तुमने सच में उसे मारा क्या? वो तो बहुत अच्छा इंसान है। वो अच्छा इंसान तो है, लेकिन उसने अपने बेटे को ऐसे मारा कि आँख मुँह सब खराब हो गए। उसने अपने बेटे को मारा, उससे तुम्हें क्या? वो बाप है तो बेटे के साथ कुछ भी कर सकता है। बेटा अच्छे मार्क्स से पास हुआ और कहा मुझे कॉलेज जाना है। बाप ने कहा पढ़ाई बंद और राशन की दुकान संभाल। लड़का नहीं माना तो उसे बेरहमी से मारा। बेटा कहीं बाप पर हाथ न उठा दे, इसीलिए मैंने उसे मारा। वाह, क्या नियम है। और अब सब कुछ ठीक भी हो गया, कल से उसका लड़का कॉलेज जाएगा। मैंने एडमिशन भी करवा दिया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस गांव में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक कॉलेज और हॉस्टल चाहिए। क्या ये केस हम जीत पाएंगे? पहले हम कानून के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे, नहीं तो गुंडा लिस्ट में मेरा नाम पहले से ही दर्ज है। जरूरत पड़ी तो उस रास्ते से भी चलेंगे। गुस्से में इसका फेस लेलैंड ट्रक की तरह दिखने लगती है। मेरी महारानी, इतनी मामूली बात के लिए तुम क्यों लाल पीली हो रही हो? तुम्हारे लिए मामूली बात होगी, जब देखो तब मार पीट पुलिस केस। तुम्हें देर हुई तो मेरा कलेजा जलता है। तुम्हारे बहुत दुश्मन है, कभी मेरे और अपनी बच्ची के बारे में सोचते हो? उस लड़के को कॉलेज भिजवाने की फिक्र है, हमारी नहीं। तुम पुरानी बातें भूल गई क्या? इट्टू पेटे के बेटे की आंखों में जो आंसू थे वो मेरे थे। लाख कोशिश करने के बावजूद मेरे आंसू रुकते नहीं थे। मुझे आज भी याद है, मेरे बाप ने नौकरी जाने के बाद समुद्र में मच्छी मारकर मुझे पढ़ाया, और मैं भी दिल लगाकर पढ़ता था। फिर मैंने जब कॉलेज जाने का सपना देखा तब मेरी जिंदगी ने करवट बदली। 8 साल तक शनि ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, कोई भी इंसान मेरी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। अपने दुख दर्द को कलेजे से लगाकर मैं हालात से लड़ता रहा। सिर्फ एक तू ही है जिसने मेरे दुख को समझा और मेरे साथ खड़ी हो गई, लेकिन अब तो तू भी मेरा। गलत मत समझना, डर गई थी इसलिए कहा, अब नहीं कहूंगी। Got it. Very good. Okay. मजा आ गया। Done. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you. अच्छा हुआ ना? Father, shot okay. ठीक है। Father, shot okay. ये यहाँ से transfer कर देते हैं। चलो camera उठाओ, जल्दी करो यार, camera उठाओ यार। Yeah. उसको camera उठाओ। और वहाँ पे light के लिए और light लगानी। Sir, continue. हाँ। यार सीन बहुत बढ़िया है, सच में। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? समंदर किनारे कछुए ने अंडा दे दिया क्या? कुछ भी हो जाए मैं हॉस्टल बना कर रहूंगा। फिल्म की शूटिंग हो रही है विश्वा। ओ विश्वा, अरे आप शोर क्यों कर रहे हैं? कट कट इट, कट इट। तू मेरा विश्वा है, दूसरा जन्म लेकर इस धरती पर फिर आया है। देखिए पापा, विश्वा तेरा बाप। यहां फिल्म की शूटिंग चल रही है, आप चुप हो जाइए प्लीज। जाइए, चलिए आप, चलिए बोलने की जो, चलिए प्लीज। एक्शन विश्वा भाई, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो मेरा काम मैं अच्छी तरह जानता हूं, मुझे करने दो। अरे रुको रुको, उससे बात करने से कोई फायदा नहीं। कैसे हो सकता है? वो तो मेरा नाम है, विश्वा की आत्मा से जुड़ा हुआ उसका दोस्त वर्क मैं ही हूँ। अरे पापा, मैं आपका एक रोल कर रहा हूँ। कैसे कर सकता है तू? तू मेरा रोल करेगा तो मेरी पत्नी को मां बोलेगा या हटाओ ना? नहीं, मजा बात कर रहे हैं, छोड़ो मुझे, क्या कर रहा हूँ। अरे सुनो, हिलना नहीं, चुपचाप वहाँ पर बैठे रहो। ये विश्वा बोल रहा है, समझे? ठीक है, मैं बैठता हूँ, लेकिन एक भी सीन गलत मत शूट करना। याद रखना कि सिर्फ तू ही मरा है, तेरे जैसा महान पुरुष अभी भी जिंदा बैठा है। ठीक है, ठीक है, करियन सर, फिर से शॉट लेते हैं। ओके, क्लैपिंग, साउंड, रोल कैमरा, एक्शन। विश्वा भाई, आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। देखो, इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं। तुम्हारा कहना है कि वो लोग दौलतमंद है, इसीलिए तुम्हें उस घर का रिश्ता मंजूर नहीं। Okay. ये क्या बोल रहा है भाई? अरे तू तो वो बोल रहा है जो हुआ ही नहीं। तेरे तो बहुत मार खाएगा तुम उससे।
विश्वा तेरी शादी में क्या हुआ था तुझे याद नहीं है? तेरी शादी में फुल टाइट होके मंडप पे सोया था तभी मुझे जोर से पेशाब लगी। मैंने जाके पानी के आटी में पेशाब कर दिया तो जयेश ने मुझे डंडे से मारा था, याद है तुझे? अरे देखो भाई, शूटिंग में हम लोग सारी चीजें नहीं दिखा सकते, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। आप जाइए यहाँ से, मैं आपको रात को दाढ़ी दिलाऊंगा, ठीक है? आप जाओ यहाँ से। क्या हुआ? 100 रुपए नहीं है पापा, आप जाओ यहाँ से जल्दी। यहाँ कुछ कॉलेज के लड़के आपस में फिल्म बना रहे, कोई काम नहीं आता उन्हें, बस उनके साथ दिमाग खपा रहा हूँ मैं अपना। सर मैं बाद में फोन करता हूँ। देखो हम लोग जयेश की शादी में धमाल मचाएंगे। okay. बहुत मजा आएगा। ओके वैसे बात को ऐसा पता नहीं कर रहे हो इसको। हां वेरी गुड सर, वेरी गुड। चलिए सर, शॉट भी ओके हो गया, बहुत बढ़िया जा रहा है। अब एक ही रास्ता है, उनका सामना करने के लिए तुम्हें मैंगलोर से बाहर जाना होगा। जनता आवाज उठा रही है, जनता कुछ भी कर सकती है, पहले वहां का बांध काम बंद करो, बाकी मैं सब कोर्ट में संभाल लूंगा। यहां के गरीब लोगों को आप क्यों कोर्ट तक घसीट रहे हो सर? मार्क का दारू का अड्डा कल वहां नहीं दिखेगा। और ये काम मैं करूंगा। Oh!
फादर के लिए चाय लेके आओ जल्दी। क्या बात है सेठ जी, विश्वा की मौत याद दिलाने आए हो। विश्वा नहीं मरा है, क्योंकि विश्वा सिर्फ व्यक्ति नहीं है, एक सहारा है। हैवानियत, जुल्म, धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक सहारा, और सहारा कभी नहीं मरता। वो सब मैं नहीं जानता। मैं आपको यहाँ परेशान करने बिल्कुल नहीं आया हूँ, कुछ सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। औरों की तरह दो पैसा कमाने के लिए मैं भी गलत काम कर लेता हूँ। देखिए, मैं छोटी मोटी हेरा फेरी करता हूँ, लेकिन कोई बड़ी हेरा फेरी कभी नहीं करता। ये बात सच है कि मैंने चर्च की जमीन वापस करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि उस जमीन पे कॉलेज या हॉस्टल बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा कि उन लोगों को कोई और जमीन मिल जाएगी। ये बात सही है कि विश्वा से मेरी दुश्मनी थी, पर मैंने उसे मारा नहीं। मेरे मैंगलोर से लौट कर आने की कहानी बिल्कुल सच है, लेकिन उस समय मेरे साथ कौआ रमेश नहीं था। रमेश मैं कह रहा हूँ रुक जा। क्या कर रहा है तू? रमेश बंद करिए सब। विश्वा, ये क्या हो गया? ए विश्वा, उठ। विश्वा, अरे ये क्या कर दिया तूने? अब गांव वाले समझेंगे कि मैंने तुझे इसे मारने के लिए कहा था। समझने दो, इसीलिए मैंने ये काम अभी किया। सेठ जी तुम्हारे खिलाफ कितनी बार आंदोलन कर चुके हैं, तुम नहीं खाते निराश से हटा दो। मैंने सही मौका देकर हटा दिया। रमेश, पुलिस पूछेगी तो मैं तो यही कहूंगा, समझे? तुम एक खूनी कहलाओगे। तेरी जो रमेश, तूने ये सही नहीं किया। ए सेठ, मैं कहता हूँ कलर छोड़ दो मेरा, इससे पुराना हिसाब चुकाना था। जिस लड़की से मैं प्यार करता था, उसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उससे शादी कर ली। जो भी हो, तुम्हारे बीच का कांटा तो निकल गया ना सेठ। तुम निश्चिंत होकर के बेंगलोर वापस जाओ। दुश्मनी थी, मैंने मार दिया, ऐसा मैं पुलिस से कहूंगा, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस इल्जाम को मैं अपने सर पर ले लूंगा, समझे? और हाँ, मेरे जेल जाने के बाद मेरा परिवार भूखा ना रहे, इससे 10 लाख रुपए मेरे घर पहुँचा देना। पैसा मेरे घर पहुँचने के बाद ही अपने आप को पुलिस के हवाले करूँगा। इसीलिए मुझे उसे पैसे देने पड़े।
उस वक्त पैसे देने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन लोग मुझे आज भी खूनी समझते हैं। अब आप फिल्म बना रहे हैं, सारी भूली हुई बातें लोगों के दिमाग में फिर से ताजा हो जाएंगी। खैर कोई बात नहीं, इस उम्र में मुझे किसी के सहानुभूति की जरूरत नहीं है। देखिए अब जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना, लेकिन मेरे दिल में इच्छा हुई कि मैं आपसे सब कुछ सच कह दूं, बस इसीलिए मैं यहां पर आया। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ हो तो अगले हफ्ते सजा पूरी करके वो कौवा रमेश जेल से छूटने वाला है, चाहे तो उससे पूछ लीजिएगा। जिसने उम्र कैद की सजा काटी हो भला वो किसी से झूठ क्यों बोलेगा फादर। खाओ। हाँ जल्दी से तैयारी करो, कैमरे को उस तरफ लगाओ ना। सुनो वो कैमरामैन का असिस्टेंट बालू है ना, वो कह रहा है कि तुमसे प्यार हो गया है उसे। मुझे पता है, वो कई दिनों से मेरा पीछा भी कर रहा है। बहुत ही मेहनत करने वाला लड़का है वो, और खानदान भी बहुत अच्छा है। बताओ ना मैं क्या जवाब दूं उसे। उसे कह दे मैं तुझे पसंद करती हूँ। अरे क्या मतलब है? अरे गधे उसे जाकर कह दे कि मैं तुझे पसंद करती हूँ, समझ गया ना? क्या बोली वो? थैंक्स। ये क्या हुआ, थैंक्स बोल रहा है? शे, ये तो प्रॉब्लम हो गई यार, एक ऑप्शन और होना चाहिए था। हे, क्या हुआ? वो क्या है ना, कल हमें विश्वा की फैमिली का शूट करना है, लेकिन उसकी बच्ची की तबीयत खराब है तो वो नहीं आ पाई, हॉस्पिटल में एडमिट है बेचारी। तो क्या हुआ, वहाँ हमारी बेटी है ना, उससे हम एक्टिंग करवा लेंगे। दीदी मानेगी क्या? क्यों नहीं मानेगी। चलो उससे मैं बात करता हूँ। चलो। ए गुड़िया। मम्मी देखो फादर आए हैं। गुड़िया श्वेता मेरी बेटी का रोल करोगी? मम्मी क्या मैं एक्टिंग कर सकती हूँ? जिस बच्ची को हमने कास्ट किया था वो नहीं आई इसलिए। अरे इसे कोई एक्टिंग का अनुभव नहीं है। वो तो हम बच्चे से करवा लेंगे, क्यों गुड़िया? मेरी गुड़िया स्ट्रांग है, हमें तो सिर्फ मम्मी की परमिशन चाहिए। इसे कभी बाप का प्यार नहीं मिला, भले ही फिल्म में ही एक बाप का प्यार मिल रहा है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। अब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसीलिए अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ने दो। चलो। थैंक यू फादर। इस बच्ची के चार सीन है, वो शूट हो गए तो हमारी फिल्म पूरी हो जाएगी। जी हाँ। सही है। नहीं हमें क्लाइमेक्स रीशूट करना पड़ेगा। रीशूट करना होगा, लेकिन क्यों? कल मार्क मुझसे मिलने के लिए आया था। सच्चाई ये है कि विश्वा को मार्क ने नहीं मारा है, कौवा रमेश ने मारा है। फादर जरा सुनिए, ऐसे ही बहुत टेंशन है, अब जो शूट हो गया उसे हम रीशूट नहीं कर सकते हैं। हे, वो इंसान झूठ नहीं बोल रहा है, मार्क चाहता है कि सच्चाई सबके सामने आए। आपकी बात ठीक है फादर, लेकिन हम सब ने साथ में मिलकर इस फिल्म की स्क्रिप्ट को पूरा किया है, अब आखिरी मूवमेंट में क्लाइमेक्स को रीशूट कैसे कर सकते हैं फादर? फादर क्लाइमेक्स में तो बहुत सारे लोग यूज हो चुके हैं। देखो तुम लोग चाहे जो भी कहो, एक बेगुनाह को गुनहगार ठहराकर उसे खूनी दिखाना मुझे मंजूर नहीं है। फादर हम विश्वा की जिंदगी पर कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं बना रहे हैं, ये एक फीचर फिल्म है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हो सकता है कि यह सच्चाई तुम्हें गलत लग रही हो, लेकिन मेरे लिए ये सच्चाई एक नई रोशनी है। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, आपको इस फिल्म में हमने कास्ट किया है और हमारे डिसीजन को आपको मानना ही पड़ेगा, आपकी नहीं चलने वाली। मानता हूँ, लेकिन भूलो नहीं कि सच्चाई को सामने लाने के लिए मनगढ़ंत बातों को हटाना हम सबका फर्ज है। भले फिल्म में ही सही, चार पैसे कमाने के लिए या मनोरंजन के लिए झूठ का हम सहारा ले, ये मुझे कतई पसंद नहीं। मुझे मारने वाला कौवा रमेश है, वो मार्क नहीं है। यही सच था, यही सच है, और ये सच्चाई की लड़ाई है। मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा और ना ही अब एक्टिंग करूंगा। तुम लोग किसी और को देख लो। समीर सही कह रहा है, ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, फीचर फिल्म है। लेकिन फादर के कहने पर इसमें धार्मिक सच्चाई भी है। जिन्हें लोग खूनी समझ रहे हैं वो बेगुनाह साबित हो रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिल्मी कहानी पर जो सच्चाई छुपी है वो जब खुलकर सामने आती है तब हमारे फिल्म को और मजबूती मिलती है। फिर
गांव वाले जैसा सोच रहे हैं उसमें कोई खास ट्विस्ट नहीं मिलता जैसा सच से मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक? और फिर क्लाइमैक्स के रीशूट के खर्चे की मुझे परवाह नहीं है, वो फिल्म के लिए ही है, इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए। फादर मेरे अच्छे दोस्त हैं इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट में हाथ डाला है, तो उनका दिल नहीं दुखा सकता मैं। चलिए, जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही सीन रीशूट होगा। कम इन। कभी कभी जब हम जैसे बच्चे शरारत कर देते हैं तो आपको भी उन पर गुस्सा आ ही जाता है ना फादर? वैसे ही आपकी बातों पर मुझे भी गुस्सा आ गया था फादर, सॉरी फादर। आप तो समझ सकते हैं ना एक डायरेक्टर के ऊपर कितना प्रेशर होता है। आई एम सॉरी फादर, कभी कभार ये दूध के जैसा उबल जाता है और फिर शांत भी हो जाता है, आप मान जाइए ना। फादर हम सब बहुत शर्मिंदा हैं, हमसे नाराज मत होइए। छोड़ो मुझे, तुम्हें खींच कर दो देना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि मैंने कैलरी, कुश्ती, ब्लैक बेल्ट, मल्लापुरम सब कुछ सिखा है। गुस्से में लोगों को इस बार माफ कर दीजिए, मानता हूँ मुझसे गलती हो गई फादर, अब मेरी जिंदगी बस आपके हाथों में है। तो फिर कल क्या करना है? क्लाइमेक्स का रीशूट हम लोग बाद में करेंगे फादर, कल विश्वा का फैमिली सॉन्ग शूट करेंगे। फैमिली सॉन्ग? ओके। अरे बेटा अभी तक सोई नहीं, बहुत रात हो गई, जाओ जाकर सो जाओ। पापा मम्मी कह रही थी कि कल आपका बर्थडे। तेरी माँ हमेशा सबको परेशान करती है, कल वर्कशॉप में मुझे वर्कर्स का हिसाब किताब करना है बेटी, चलो चलकर सो जाओ, जाओ। पापा कल आपको क्या गिफ्ट चाहिए? मेरी गुड़िया मुझे प्यारी सी पप्पी देगी, वही मेरे लिए बहुत है। वो नहीं पापा, गिफ्ट। मम्मी कह रही थी कि उनके पास पैसे नहीं है। हाँ झूठ, तेरी मम्मी मच्छी बेचकर बहुत पैसा कमाई है। ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए शर्ट खरीदी तो इसने भी जिद की कि मैं भी पापा को कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। अच्छा, ये सुनती कहाँ है? हाँ, मैं भी आपको एक गिफ्ट दूंगी। हाँ, पापा मेरी गुड़िया मुझे ऐसा ही एक फूल दे देना। तीन फूल? ठीक है, तीन फूल दे देना। येलो चिकन, ये सब शाम के प्रोग्राम के लिए। समझ गई। हाँ, सब जगह हल्ला तो तुम ही मचाती हो, तो वो लोग पीछा छोड़ेंगे क्या? अरे बच्ची कहाँ है? वो घर पर नहीं है। हाँ, मुझे लगा तुम्हारे साथ होगी। हाँ, वो मेरे साथ तो नहीं थी। सुनो, गुड़िया यहाँ आई थी। वो यहाँ तो नहीं आई। हे भगवान, बच्ची कहाँ गई होगी? गुड़िया, 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 गुड़िया। तुम आओ। श्वेता, श्वेता। क्या हुआ फादर? मेरी गुड़िया दिखाई नहीं दे रही। अरे यही कहीं होगी, कहाँ जाएगी? श्वेता, गुड़िया। श्वेता, Oh.
got it. Very good. बहुत बढ़िया. बहुत अच्छा. कमाल का शॉट. कसम से बहुत अच्छा हुआ. बहुत अच्छा किया फादर. बेटा तुमने बहुत अच्छा किया सच में. बेटा फादर शूट बहुत कमाल का था. मान गए तुम. रिलैक्स फादर. फादर चलो. फादर फादर क्या हुआ फादर? देखिए शॉट ओवर हो गया फादर. आप उठिए आराम से. उठ जाइए. शॉट हो गया. आइए आइए आराम से आराम से. फादर आप ठीक तो हैं ना? क्या हुआ आपको? आराम से. जस्ट ओके फादर. रिलैक्स. बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने. सुनो बच्ची का सर पोछो. आराम से आराम से. फादर आप आराम कीजिए. रिलैक्स फादर. सीन ओवर हो गया है. नेक्स्ट सीन की तैयारी करो. चलो देखो सारी फादर उस तरफ लगा देना. ठीक है फादर. कॉस्ट्यूम वाले को बोलो कि वो टाइम पर आया. ये सब क्या है फादर? क्यों तुम गुजरी हुई बातों को याद करके रोते रहते हो? फादरों का ये सब करना अच्छा नहीं लगता. चलो इस पे जरा साइन कर दो. जिस रूम में रहता हूँ उसका टाइम पूरा हो गया है. अब उसे तोड़ेंगे. मैं रात को गाड़ी से निकल जाऊंगा. कल से वहाँ काम शुरू करना है. और दो हमें लॉन्ग शॉट लेने हैं उसके बाद क्लोज. ठीक है फादर अब आप रेस्ट कीजिए. हम कल शूट करेंगे. अरे अंकल स्नैक्स लाए क्या? चलिए आपसे बाद में मिलता हूँ. सुनो फादर सुनिए एक काम करिए. आप चर्च में जाइए. मैं यहाँ का सारा काम निपटा कर आता हूँ. क्या टेंशन ले रहा है? इतना सारा डायलॉग एक साथ बोल नहीं बोल पाएंगे. ये सच नहीं है लेकिन सच्चाई मैं किसको बताऊं? कोई कोई मेरा यकीन नहीं करेगा. ये सच नहीं है. अपने दिल का दर्द मैं किसे बताऊं? आखिर असल बात क्या है? प्लीज हमें बताइए. फादर के डैडी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था. और क्या बताऊं? वो बहुत ही जल्लाद किस्म का इंसान था. माइकल फिल्म में काम करते समय वही बातें याद कर रहा है. वो उनका इकलौता बेटा है. उस दिन फिलिपोस चर्च गया था. अगर बेटा पादरी बन जाएगा तो जो बात मैं सोच रहा हूँ वो पूरी नहीं हो पाएगी. शायद ये बात उनके दिल में आ गई. वो घर से निकलकर सीधा चर्च गए. उसके बाद जो हुआ वो तुम्हें कितनी बार समझाऊं? आज के बाद से तू चर्च नहीं जाएगा. अगर गया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा. जाएगा बोल. जाएगा जाएगा जाएगा. अरे बोल. अरे ये क्या कर रहे हैं? लग जाएगी उसे. सिर्फ तुम्हारी वजह से बिगड़ा ये. इसे तुमने ही बिगाड़ा है. मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो नाक कटवा दे. सुनो मुझसे ये वादा करो कि तुम सेमिनार में भी नहीं जाओगे. नहीं तो एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा. ये लो बेटा पानी पी लो. इतना सब होने के बावजूद भी माइकल उस दिन सेमिनार में गया. माइकल के मर्जी के मुताबिक उसे सेमिनार में एंट्री भी मिल गई.
उस दिन एक बात मेरे समझ में आ गई, इंसान को वही करना चाहिए जो वो सच में करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग अपनी मर्जी अपने बच्चों पर थोपते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और इसलिए तब से आज तक जब भी कभी फादर के चेहरे पर आंसू देखता हूं तो मुझे घबराहट होती है। एक्टर लोग ऐसे सीन्स कई फिल्मों में करते हैं, ये मैंने देखा है। फादर को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। अंकल, कल का दिन हमारी शूटिंग का आखिरी दिन है, बीच में शूटिंग रुक गई तो? लेकिन ये तो मुमकिन है भी नहीं, क्योंकि अब तक तो काफी पैसा भी लग चुका है। तुम लोगों ने फादर को देखा क्या? अरे वो अंदर होंगे। फादर को ढूंढते हुए कुछ लोग आए हुए हैं, लेकिन फादर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कौन सी बात है जो तू मुझसे छुपा रहा है? बता, नहीं तो तुझे नीचे फेंक दूंगा। मेरी बेटी की मौत डूबने से नहीं हुई, क्या तूने उसका खून किया? बता, मेरी बच्ची को किसने मारा? बता, विश्वास, विश्वास, बता, 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 विश्वास, बता, बताऊंगा, सब बताऊंगा। तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? हमारे घर में आज फंक्शन है अंकल, आज मेरे पापा का बर्थडे है तो ये फूल पापा के लिए है। हाँ, ये फूल अपने बाप के छाती पर रख देना, दोगला है वो, दोगला। जैसे मैं चाहता था उसे तेरे बाप ने उठा करके उससे शादी कर ली। तेरी मैं आप... तूने सही कहा, मुझे बनाने वाले तेरे माँ बाप हैं। तू क्या समझती है मैं उन्हें सुकून से जीने दूंगा? कभी जीने नहीं दूंगा, तेरे बाप की सारी खुशियाँ छीन लूंगा। इसलिए बाप की छाती पर चढ़ाने के लिए मैं तुझे तोड़ करके दूंगा। नहीं, बाप को मारने से मेरी दुश्मनी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो अभी नहीं, इसके माँ बाप को एक साथ तड़पाना है मुझे। रमेश, क्या पानी में क्या कर रहा है? देख नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? जा तू अपना काम कर। अच्छा, उस दिन मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर खून हुआ है। मैं घर से बाहर जाने के लिए तैयार होकर निकला, तभी वो मेरे घर आ गया। जिससे मिलने आया वो तो यहीं पर है। ये ले, ठीक हो गया। खेल, ए तूने खबर सुनी? विश्वा की बेटी फूल तोड़ने गई थी, वो तालाब में डूब कर मर गई। अरे लेकिन उस समय तो तालाब के पास मैं क्या कर रहा था? अगर ये बात तूने किसी से कही तो याद रखना, तेरा ये लड़का है ना, उसे भी मैं मार करके जेल चला जाऊंगा। अब हिम्मत हो तो बता देना, जो कहा है वही करूंगा। क्या बेटा, आराम से खेल। क्या बताऊं फादर, डर के मारे मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। बस तभी से मैं शराब पीने लगा, बहुत तकलीफ होती थी मुझे। उस सदमे की वजह से मैं जी नहीं पा रहा था फादर। बहुत बुरा आदमी है वो फादर, बहुत गलत काम किया उसने। क्या हाल बना रखा है, दिन रात शराब में डूबे रहते हो? अब मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मर जाने दो। क्या यार, तू हमेशा मरने की बात क्यों करता है? कोई परेशानी है तो बता मुझे, आज वर्कशॉप क्यों नहीं आया? मैं तेरी दोस्ती के लायक नहीं हूँ विश्वा। वो तो है, मैं डरपोक इंसान हूँ, मैं तो खुदकुशी भी नहीं कर सकता। तुझे देखता हूँ तो मुझे डर लगता है विश्वा। क्या बात है, अगर आज मैंने सच्चाई नहीं बताई तो मेरा कलेजा फट जाएगा। हमारी बच्ची तालाब के पानी में डूब कर नहीं मरी, फिर उसे मार दिया गया। मारा? हाँ, उसे मारा गया। किसने मारा? कौवा रमेश ने। उसने मुझे धमकी दी थी कि ये बात मैंने अगर किसी को बताई तो
मेरे बेटे को भी मार देगा विश्वास। बच्ची को उसने मारा ये पूछने के लिए विश्वा भाग गया। उसके बाद वो वापस नहीं आया। अगले दिन मैंने सिर्फ उसकी लाश देखी। बैठ का शराब पी रहा होगा, चल के मिलते हैं उससे। क्या है आज अगर हम नहीं बताए तो खेल बढ़ेगा। छुपाएंगे क्यों, नाटक बंद करना पड़ेगा ना। अरे जाने दे यार। कौवा रमेश कहाँ है? ओ कौवा रमेश अपने साथियों के साथ अंदर बैठ कर गाना गा रहा है। और क्या करेगा वो, गाने तो गाएगा। ए कौवा रमेश, हिंदी सॉन्ग क्या है? ए तुझे कुछ पता है क्या? जो फिल्म बनाने वाले आए हैं ना, वो तेरी ही चर्चा कर रहे हैं। कैसी चर्चा? गांव वालों की जुबान पर एक ही बात है कि विश्वा को तूने मारा। हाँ मैंने ही मारा है। उससे तुम लोगों को क्या क्या करोगे? मुझे मारोगे? बता गई, याद रखना पूरे गांव वालों की लाश बिछा दूंगा, समझे? छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। बोल रहा हूँ तुझे अभी, बोल रहा हूँ तुझे अभी। समझ में आए तो समझ जाना, छोड़ूंगा नहीं किसी को कभी, छोड़ूंगा नहीं किसी को कभी। अरे नहीं हूँ मैं ही हूँ इस गांव का एक बाहुबली, बाहुबली बाहुबली। फादर जैसे ही रुमाल गरम बाइक लेके आ जाएगा। ओके। अरे ये बीच में कौन आ गया? ये कौन है? ये तो कौवा रमेश है। ए यहाँ पर वो कौन है जो मेरे नाम की फिल्म बना रहा है? मैं किसी को मारकर जेल गया था, उसी पर फिल्म बना रहे हो क्या? देखिए हमें परेशान मत कीजिए, हम कहीं शांति से बैठकर बातें कर लेंगे, पर शूटिंग पूरी हो जाने दीजिए। इसमें पैसा कौन लगा रहा है? उसको मेरे सामने बुला, इसका फैसला होने के बाद तभी आगे की शूटिंग कर सकते हो। देखिए प्रोड्यूसर चेन्नई गए हुए हैं, उनको आने दीजिए, फिर आराम से बात करेंगे ना। आराम से बात करूं? 5 लाख रुपए मेरे घर पहुंचा दो, नहीं तो ये फिल्म भी नहीं बनेगी ना, तुम लोग यहाँ से जिंदा जाओगे, समझे? वो कब आने वाला है? वो आज रात को आ जाएंगे। क्यों अबे, रात भर बैठ कर उसका इंतजार करूं क्या? देखिए प्लीज आप हट जाइए, हमें शॉट लेना है। तब तो उससे मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ही तो फिल्म बना रहे हो ना। भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, शूटिंग स्टार्ट करने दीजिए ना। हाथ पकड़, चल पीछे, सबको मारकर समुद्र में फेंक दूंगा। ऐसे क्या देख रहा है? लगता है वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। रमेश का सामना करने वाला कोई मर्द है तो वो सामने आए। 5 लाख रुपए अगर मेरे घर नहीं पहुँचे तो यहाँ शूटिंग नहीं खून की होली होगी, समझ गया ना बे? हम लोग रात को चुपके से शूट कर लेंगे, इसको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा ही करेंगे। यही है वो कौवा रमेश। Already? Sound? Rolling. Roll on. Roll camera. Clap. Action. Punch. Camera close. Camera close. Karo. Very good. Mari. Zuma kar. Attack him.
फादर okay. बहुत बढ़िया माइंड ब्लोइंग हाँ क्रेन को नीचे ले आओ रोल एक्शन अम्मा तो उठाइयों से मारिए और घुमा के उठाइयों से मारिए मारिए ये जो मार खा रहा है ना ये क्या मेरे जैसा मारेगा यही ये वाला ही स्ट्रगल 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 कचा रमेश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मुर्दे के जैसे लड़ रहे हैं ये लोग हाँ घुमाइए वो देखिए उसको भी लपेट दिए लड़ पा रही है लड़ पा रही है क्या कर रहे हो वाटर को लग जाएगा क्या कर रहे हो कंटिन्यू जस्ट कीप रोलिंग कट मत करना कंटिन्यू 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 अरे ये क्या कर रहा है ये देख वो कब्बा रमेश वही है क्या ये मार खाया जा रहा है मेरी इज्जत के धक्के उड़ा जा रहा लगता है मुझे उतरना पड़ेगा फादर कंटिन्यू फादर बहुत अच्छे जा रहा है फादर फादर कंटिन्यू फादर प्लीज ये तो उसे मारे जा रहा ये मुझे दे वैसे नहीं ऐसे लात मार अरे बस कर मैंने तुझे नहीं मारा तुझे मारा है विश्वा ने और विश्वा को मैंने मारा है मुझे तू नहीं मारा था ना चला मार तूने मुझे तो मारा लेकिन मेरी बेटी को क्यों मारा बस मास्टर पानी खत्म हो गया है अरे यार मार विश्वा किसी ने
हमारी बच्ची को मारा है। श्वेता की जान ली है, तुम भी इसकी जान ले लो, ले लो इसकी जान। इसने हमारी बच्ची श्वेता को मारा है, जिंदा नहीं छोड़ रही इसे। इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद ये फिल्म कंप्लीट होकर लैब तक पहुंच गई है। ये आप सभी की मेहनत का नतीजा है। शूटिंग के समय विश्वा से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं आकस्मिक घटती रहीं, उससे सबको सच्चाई का पता चल गया। फिल्म में हमने विश्वा को जिंदा दिखाया, इसकी प्रोड्यूसर ने बहुत तारीफ की। विश्वा जी मरे नहीं है, बल्कि वो आज भी जिंदा है। हम सबके दिलों में वो आज भी जिंदा है, ऐसा सारे कैंपस वाले कहते हैं। बिल्कुल सही है। उससे हमें एक फायदा हुआ है, और साथ में हमें ये नहीं लगेगा कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है। वो जब भी चाहेगी अपने आंखों के सामने जिंदा देखेगी। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ही हुआ है। विश्वा का सपना तो साकार हुआ, अब इसका इनॉग्रेशन आपके हाथों से होना चाहिए। वो शुभ काम मेरे हाथों से नहीं, उस काम के लिए सही इंसान फादर माइकल है। तो अब फिल्म के बाकी बचे काम के लिए हम लोग क्या करेंगे? ग्रेव साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिमिनल टेंडेंसी डेवलप करता है, लेकिन आजकल ये मामूली बीमारी है। लेकिन सावधानी जरूरी है, लेकिन डॉक्टर ने उसका इलाज करके उसे पूरी तरह स्वस्थ कर दिया और सर्टिफिकेट भी दे दिया। बाय गॉड ग्रेस अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। आप लोग डेट फिक्स करके माइकल से ये करवा दीजिए। ये कभी भी सुधरने वाला नहीं है। आ जाओ, 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 आ जाओ,
वेलकम वेलकम फादर। ये मेरे पीछे पीछे हर जगह चलाता है। प्लीज आइए। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग। ये है प्रेम राज सर। सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ फादर। हाँ। अपनी पहली फिल्म करके ही मैं सुपरस्टार बन गया। अब मुझे कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दी क्योंकि फैंस का दिल नहीं तोड़ना चाहता। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, फिल्म के असली हीरो आप ही हैं। मेरे पास अभी बहुत सारे ऑफर्स हैं। दरअसल बात ये है कि मेरा कैरेक्टर बहुत दमदार है। हाँ, कहानी में कुछ फेरफार मत कर देना। ए, अब कहानी में अच्छा, कोई अच्छा। बदलाव नहीं हो सकती है, वो कहानी जैसी है वैसी ही रहेगी और उसमें मेन हीरो तो आप ही हो। वेलकम माय सुपरस्टार। प्लीज आइए सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त मैं फादर नहीं हूँ, आपके जैसा ही इंसान। मुझे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत अच्छी जॉब मिली है। ये तो खुशी की बात है, और शादी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। श्वेता बेटी, अच्छी हो ना? हाँ। आप खुश तो हो? हाँ, ठीक है हम लोग। आइए, नहीं तो कार्यक्रम में देरी हो जाएगी। चलो आओ। कम। हाँ आइए फादर। पता नहीं ये बात सुनकर आप लोगों को खुशी होगी या नहीं, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। आज हमारे प्रिंसिपल फादर रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह कल से प्रिंसिपल बनकर मैं आ रहा हूं। रेडी स्माइल।